गुड इवनिंग एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का एडिट पर मेरा नाम डॉक्टर आकृति है और आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं तो आज साइंस की आपकी पाँचवीं क्लास है और चार दिन हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए कॉन्सेप्ट्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के साथ प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग <coughs> एक बार कमेंट्स एक मिनट वन मोमेंट चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों के पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे पास टॉपिक्स हैं लाइट फोर्स वर्क एनर्जी यूनिट एंड डायमेंशन ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि बीपीएससी में हाल फिलहाल में बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे अपने फिल्म में मैं शुरू आज करने जा रही हूँ लाइट टॉपिक से कारण क्या है इसको चुनने का क्योंकि आ, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को मुसीबत होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मिरर है लेंस है मिरर और लेंस में कई बार कंफ्यूजन होता है समझ में नहीं आता है कि कौन कब सीधा प्रतिबिंब बनाता है कब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ठीक है तो मैं सबसे पहले लाइट से शुरू कर रही हूँ लाइट को देखेंगे आपको बहुत बहुत शॉर्ट फॉर्म में में और बहुत ही कम आ, समय में आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ चीज बताएंगे अलॉन्ग विध क्वेश्चन ठीक है तो आधी क्लास इस पर जाएगी कारण क्या है बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत सारे अलग अलग चीजें जैसे आपसे कई बार आपने देखा होगा आपसे पूछता है कि बताइए रेनबो जो इंद्रधनुष बनता है उसके पीछे क्या परिघटना होती है इसके बाद जो मिराज देखने को मिलता है डेजर्ट्स में मरुस्थल में उसके पीछे क्या परिघटना होती है जो आपका सूर्य होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल क्यों नजर आता है ठीक है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें जो है ये सब आपको लाइट में देखने को मिलता है मिररल लेंस के अलावा फोर्स वर्क और एनर्जी फोर्स में हम न्यूटन के नियम पढ़ेंगे क्योंकि न्यूटन के द्वारा तीन नियम दिए गए थे और दूसरे नियम से ही हमको फोर्स के बारे में पता चलता है फोर्स के फॉर्मूला के बारे में चलता है वर्क पावर एनर्जी ये कुल मिला के काफी ईजी चैप्टर हम कहेंगे आपके फिजिक्स का है यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है कि आपका थ्रू आउट फिजिक्स चलता है जैसे हर चैप्टर में आप जो भी क्वांटिटीज जो भी राशियां पढ़ेंगी उनकी क्या यूनिट्स हैं ये सब आपको जानने होते हैं ठीक है तो हम आज शुरू किससे कर रहे हैं लाइट से शुरू कर रहे हैं तरंग से शुरू कर रहे हैं पहले थोड़ा सा समय लेंगे पंद्रह मिनट के आसपास चैप्टर को समराइज करने का उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे तो कभी भी जब आप लाइट के बारे जान रहे होते हैं प्रकाश के बारे जान रहे होते हैं तो एक चीज हमेशा आप लोगों ने पढ़ी होगी सुनी होगी कि लाइट का डुअल नेचर होता है दोहरी प्रवृत्ति होती है कहने का मतलब क्या है कि यही लाइट जो है ये कण की तरह भी बिहेव करता है और तरंग की तरह भी बिहेव करता है मतलब लाइट एक वेव भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है एक कण भी है फिजिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं अपवर्तन परावर्तन ये सारी चीजें पढ़ते हैं ठीक है तो इन सब से हमको ये पता चलता है कि लाइट एक्चुअल में क्या है लाइट एक्चुअल में वेव है इसके अलावा जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी अगर कभी आपने सुन के रखी होगी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग टॉपिक है है ना प्लैंक क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सबसे पता चलता है कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल वाला नेचर है कण वाला प्रभाव है अभी हम लोग फिलहाल वेव वाले तक सीमित रहते हैं ठीक है लाइट क्या है वेव है अब कैसी वेव है लाइट सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि लाइट एक अयांत्रिक तरंग है अयांत्रिक तरंग है यानी नॉन मैकेनिकल वेव है नॉन मैकेनिकल वेव हम ऐसे वेव को कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती मतलब जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड लिक्विड या गैस में ही ट्रैवल कर सके ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर वेव इस तरीके से मूव करता है एक दिशा में लेकिन जो वेव के सारे पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव करते हैं क्या बोला मैंने यहां पर मैंने ये कहा कि वेव के जो भी पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे ऊपर नीचे अप डाउन लेकिन वेव की दिशा आगे के ओर होगी ठीक है मतलब इस तरीके से मूव करेगा 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुपस्त अनुप्रस्त तरंग अनुप्रस्थ तरंग तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है ट्रांसवर्स वेव है और तो और आपको ये जानना चाहिए कि वैक्यूम और एयर में इसकी स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा है तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम यानी निर्वात में होती है हवा में होती है उसके बाद पानी में होती है या लिक्विड में होती है आप लिक्विड लिखिए ज्यादा बेहतर होगा किसी लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है वो सॉलिड में होती है ठोस में सबसे कम होती है साउंड इसके बिल्कुल विपरीत है आज साउंड का जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि साउंड आज की क्लास में नहीं है साउंड हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है तो आज बस इतनी बात समझिए यहां पर लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड ये रही आपकी साउंड की स्पीड ठीक इतनी बात क्लियर दिक्कत नहीं परेशानी नहीं चलिए लाइट वेव है ये हमको कुछ परिघटनाओं से पता चलता है जैसे कि रिफ्लेक्शन सबसे पहला बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे परावर्तन के बारे रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस माध्यम में लाइट जाए किसी चीज से टकराए और उसी माध्यम में वापस आ जाए ठीक है रिफ्लेक्शन में कभी भी मीडियम नहीं चेंज हो रहा आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडियो में जो लाइट्स लगी हैं, वो आ रही हैं, मेरे सर से टकरा रही हैं और फिर जाके कैमरा में चली जा रही हैं, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं तो जिस माध्यम में लाइट आई उसी माध्यम में वापस लौट गई इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं परावर्तन कहते हैं मिरर जो होते हैं बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे परावर्तक होते हैं ठीक है तो रिफ्लेक्शन का मतलब ही है जिस दिश, दिशा में प्रकाश आ रही है उसी में वापस लौट जाएगी ठीक है और आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक लॉ पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है यानी अगर ये एंगल हम 60 लिख रहे हैं तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा और जो आपकी प्रकाश की किरण आई यानी इंसिडेंट रे जो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हुई यानी रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं रिफ्लेक्शन कौन कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं मिरर यानी कि दर्पण ठीक है और मिरर से हमेशा ध्यान रखिएगा मिरर से बनता है इमेज यानी प्रतिबिंब आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट हैं जो इंसान आपको आईने में दिख रहा है वो इमेज है वो प्रतिबिंब है अब इमेज तभी बनता है जब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेस दो परावर्तित किरण एक दूसरे से मिलती है इमेज बनने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए कम से कम दो परावर्तित किरण आपको चाहिए ठीक और ये इमेज जो होती है वो दो तरह से की बन सकती है पहली होती है रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है जो सही में मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेस परावर्तित किरण मिल रही हैं और उनके मिलने से वास्तविक में बन रहा है रियल इमेज की पहचान होती है कि ये उल्टे होते हैं ठीक है जैसे आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है ये लॉ सीधी है लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत क्या है कि ये इन्वर्टेड होती है वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं जो सही में नहीं मिले जो सही में नहीं मिलते हैं आप उनको आभास करते हैं आप इमेजिन करते हैं कि वो मिल गए मान लीजिए हम आपके सामने क्या रखें दो किरण रखें दो ऐसे किरण रखें जो एक दूसरे के क्या हो जाएं पैरल हो जाएं समांतर हो जाएं दो रिफ्लेक्टेड रेस जो एक दूसरे के पैरल हैं और आपसे हम ये पूछें कि ये बताइए कहां मिल रहे हैं तो आप क्या कहिएगा मैम जो पैरल रेज होती हैं वो तो इंफिनिटी पे मिलती है जो समांतर किरणें होती हैं वो तो अनंत पर जाकर मिलती है तो ये रियल में नहीं मिल रहे हम बस इमेजिन करेंगे सोचेंगे कि अच्छा अगर हम इनको पीछे खींचे तो शायद ये कहीं पीछे जाकर मिले तो जब आप ऐसे इमेज बनाते हैं ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और ये हमेशा कैसे होते हैं ये सीधे होते हैं ये देखिए ये लॉ भी सीधी है और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये भी सीधा है आभासी कि फितरत क्या है कि ये सीधे होते हैं ठीक चलिए अब मिरर की बात करते हैं दर्पण की बात करते हैं तो मिरर में सरफेस होता है सतह होती है जिससे रिफ्लेक्शन होता है जिससे परावर्तन होता है हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण ऐसे दर्पण को कहते हैं जहां पर जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथ है आपने देखा होगा एक साइड मैंने लाइन बनाई है एक साइड बिल्कुल प्लेन रखा है तो ये जो प्लेन साइड है ना यहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहीं से परावर्तन हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल सीधा है इसीलिए हमने इसको समतल कहा दूसरी तरफ होते हैं आपके गोलाकार दर्पण यानी कि जहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो गोल है पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण अवतल दर्पण किसको कहते हैं जिसमें कि बाहर में आप पॉलिश लगा दें और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जैसे आप चम्मच खाते हैं तो क्या होता है चम्मच का वो हिस्सा जो आप मुंह में रखते हैं जो आपके ऊपर तालू के तरफ रहता है ठीक है इमेजिन करिए वही बात ये एक कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण है बाहर में हमने पॉलिश लगा दी तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर से हो रहा है ऐसे मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं कॉनकेव मिरर कहते हैं ठीक है थेके? और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे कि आप अंदर पॉलिश लगा लीजिए आप अंदर पॉलिश लगा दीजिए रिफ्लेक्शन जो है ये बाहर से हो रहा है ऐसे को हम क्या कहते हैं कॉनवेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण ठीक अब कौन कैसा प्रतिबिंब बनाएगा पहले हम मिरर पढ़ लेते हैं फिर लेंस पे आएंगे कौन कैसा प्रतिबिंब बनाएगा ये बड़ा कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है सिंपल देखिए आप सुबह सुबह उठकर तैयार होते हैं अपने आप को आईने में देखते हैं तैयार होने के लिए आप जो आईना इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है लुकिंग मिरर और आप उस वक्त प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं समतल दर्पण पढ़ते हैं समतल दर्पण आमतौर पर आपका होता है लुकिंग मिरर जिसको देखकर आप क्या कर रहे होते हैं तैयार हो रहे होते हैं अब एक बात बताइए कि आप अगर सीधे हैं तो मिरर में आप खुद को कैसा पाते हैं सीधा पाते हैं या उल्टा पाते हैं ओके तो मैम हम सीधे हैं तो मिरर में भी हम वैसे ही दिखते हैं इसका मतलब है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और अभी आपको हम बताए कि सीधा मतलब आभासी जो आभासी प्रतिबिंब होता है यानी वर्चुअल इमेज होता है वही क्या होता है सीधा बन रहा है ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप अगर पांच फुट के हैं तो मिरर में क्या छह फुट के दिखते हैं या तीन फुट के दिखते हैं नहीं मैम हम जितने बड़े हैं मिरर में भी उतने ही बड़े दिखते हैं मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है प्रतिबिंब और बिंब का आकार बराबर है तो इमेज का साइज यानी छवि का आकार क्या हो जाता है सेम हो जाता है ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम हो जाता है ठीक है दिक्कत नहीं मैग्निफिकेशन पर आते हैं आवर्धन किसको कहते हैं मिरर में मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज की हाइट हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई यहां हमने देखा कि हमारा इमेज भी उतना ही बड़ा है जितने बड़े हम हैं तो यहां पर मैग्निफिकेशन आवर्धन एक हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे बराबर हो गया ठीक है खत्म कहानी अब आप इमेजिन करिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठे ऑफिस जाने के लिए जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी का साइड मिरर देखिए गाड़ी के साइड मिरर में आपको क्या दिखता है पीछे से आ रही बहुत सारी गाड़ी पीछे से जो ट्रक आ रहा है तुमको पलटा हुआ दिखता है या सीधा ही दिखता है मैम सीधा ट्रक आ रहा है तो सीधा ही दिखता है सीधा ट्रक आ रहा है तो सीधा ही दिखता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के साइड व्यू में गाड़ी के साइड व्यू में आप कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं और यहां भी आपको ट्रक अगर सीधा आ रहा है तो सीधा ही दिखता है ऐसा नहीं कि पलटा हुआ दिखता है और अगर सीधा है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आभासी बनेगा वर्चुअल बनेगा एक चीज नोटिस करना कि उस मिरर में आपको एक छोटे से मिरर में ट्रक भी दिखता है गाड़ी भी दिखती है बाइक भी दिखती है सबका प्रतिबिंब दिखता है लेकिन साइज में छोटा दिखता है ट्रक इतना बड़ा होता है लेकिन उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब एक छोटा सा इमेज बन जाता है इसका मतलब यहां पर इमेज का साइज क्या हो जाता है छोटा हो जाता है यहां पर प्रतिबिंब कैसा हो जाता है स्मॉल यानी छोटा तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला हमेशा वही होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा इमेज यहां पर छोटा हो गया है प्रतिबिंब छोटा हो गया है इसीलिए हमारा मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या हो जाएगा एक से कम हो जाएगा कभी भी ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी होती है तो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो एक से कम हो जाता है है कि नहीं चलो अवतल दर्पण ये परेशान करता है आपको समतल और उत्तल ये एकदम एक जैसे हैं कोई भी केस हो ये हमेशा यही इमेज बनाएंगे कोई भी केस हो ये हमेशा यही इमेज बनाएंगे परेशान ये करता है कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर आपको रियल इमेज भी बनाता है वास्तविक भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है यानी आभासी भी बनाता है सब कुछ बनाता है ठीक है यहाँ पर सीधा भी बनेगा क्योंकि वर्चुअल सीधा होता है रियल इमेज उल्टा होता है यहां पर इमेज का साइज बराबर भी रहता है इमेज बड़ा भी बन सकता है इमेज छोटा भी बन सकता है तो यहां पर सब कुछ होता है उसी हिसाब से यहां पर मैग्निफिकेशन आवर्धन एक भी होगा जब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होगे जब बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा भी होगा अगर आपकी इमेज बड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो रेशियो है अनुपात है एक से ज्यादा आएगा और एक से कम भी आ सकता है तो यहां पर सब होता है ये आप इस्तेमाल करते हैं जो ई डॉक्टर होते हैं योरनोज थ्रोट के जो डॉक्टर हैं डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ठीक है और कौन इस्तेमाल करते हैं इसको शेविंग मिरर के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी वाढ़ी बनाने के लिए ठीक है आई बात समझ में अब कहिएगा मैम इसमें ये और ये तो ठीक है इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसको कैसे करें अब मेरा बात सुनना अब यहीं पर तुमको काम की बात बता दे रहे अवतल दर्पण 99 परसेंट केस में रियल इमेज बनाता है हर केस में रियल इमेज बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा सिर्फ एक केस में ये वर्चुअल इमेज बनाएगा कब कब जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष ये रहा मेरा पोल ये रहा मेरा फोकस ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है आभासी बनता है और साइज में बड़ा बनता है सिर्फ और सिर्फ तभी एक ही केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा बाकी हमेशा ये रियल इमेज बनाएगा ठीक है सेम साइज का इमेज कब बनाएगा मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सिर्फ एक केस में सेम होगा जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे वक्रता त्रिज्या पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी वहीं पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा आई एम श्योर आप लोगों ने जब भी फाउंडेशन पढ़ा होगा तो आपने रे डायग्राम्स वगैरह बनाए होंगे स्कूल में भी हम लोग ये सब करते थे ठीक है बट यहाँ पर हम लोग को रे डायग्राम नहीं बनाना हम लोगों को स्मार्ट वे में पढ़ना है कि किस तरीके से हमको चीजें देखनी ठीक क्लियर है ये वाली बात अब आओ क्वेश्चन पर पहले मिरर के क्वेश्चन करते हैं फिर लेंस पर चलेंगे ठीक है मिरर अगर आपको समझ में आ गया तो लेंस चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि लेंस मिरर एकदम लिंक जैसे है देखो आपसे कह रहा है परावर्तन के नियम किस पर लागू होंगे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन पर हैं ये किस पर लागू हैं समतल पर अवतल पर उत्तल पर या सभी पर तो ध्यान रखना सभी पर लागू हैं चाहे कैसा भी दर्पण आप इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब पर लागू होता है इसके अलावा कई बार एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करती है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे परावर्तन हो रहा है वो सीधा है तभी होगा या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तब भी होगा तो हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चलेगा चाहे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा है इस तरीके से है कभी भी है नियमित है अनियमित है हर समय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही रहेगा होल्ड करेगा सभी के लिए ट्रू बताइए यहां पर किस में प्रकाश की गति जो है वो सबसे कम है आपको हम बताए थे प्रकाश की गति का क्या होता है वैक्यूम एयर उसके बाद लिक्विड सबसे कम जो प्रकाश की गति होती है वो सॉलिड में होती है ज्यादा पूछता तब आप निर्वात जवाब देते अगर आपसे पूछा है कि कहां पर सबसे कम होगी सॉलिड में इन सब में सॉलिड कांच है यानी शीशा है इस तरह के क्वेश्चन आपने अपने पीवाई क्यूज में जरूर देखे होंगे ये क्वेश्चन देखिए अच्छा सवाल है आपके एग्जाम का ही सवाल है आप एओ सी डी पीओ बी पी एस सी कोई भी के उठाकर के देख लीजिए आता आता क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि एक इंसान दर्पण के सामने खड़ा है और उसको अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लग रहा है बताओ कौन सा दर्पण है अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हमेशा देखना हमारे पास तीन दर्पण है प्लेन यानी समतल कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको याद है सुबह उठते ही हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है गाड़ी के साइड में कॉनवेक्स होता है बड़ी बड़ी गाड़ियां का प्रतिबिंब छोटा दिखता है मतलब ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो ये और ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन क्यों में दे दिया आपको आपका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा आप जवाब दीजिएगा कॉनकेव यानी कि अवतल ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं हमेशा तीनों लिख लो फिर याद करना तैयार होने के लिए प्लेन इस्तेमाल करते थे हम सेम साइज का बनता था गाड़ी के साइड में उत्तल कॉन्वेक्स छोटा बनता था है ना तो बचा क्या बचा क्या अवतल अवतल सब कुछ बनाता है आपको पता है आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके जाते हो कॉन्केव मिरर के इमेज बड़ा होता चला जाता है ठीक है आप सोचिए ना डेंटिस्ट हम डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन ठीक है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर क्योंकि हमको दांतों को देखना होता है आपके मुंह के अंदर दांत इतने छोटे हैं हम कॉन्केव मिरर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मिरर में जो हमको दांत दिखे वो साइज में बड़ा दिखे आया बात समझ में तो कॉन्केव ही होता है जो साइज में बड़ा बनाता है <clears throat> विद्युत चुंबकीय तरंग भाई लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है कल हम लोग तरंगों के बारे पढ़ेंगे ईएम वेव अभी के लिए इतना जानिए ऐसे तरंगों को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाकर बने होते हैं विद्युत चुंबकीय है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी है चुंबकीय क्षेत्र भी है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं है नाइन्टी डिग्री लाइट आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें की स्पीड कितनी होती है सबसे ज्यादा थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बताइए क्या चीज नहीं बदलती सब करेंगे जिब्रा वाला क्वेश्चन करेंगे गीता थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सारे लोग जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बताइए कौन सी चीज नहीं बदलती हम्म भाई वेव के लिए एक फार्मूला हमेशा सही होता है v λf v मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और लैमडा का मतलब क्या होता है वेव का मतलब क्या होता है है ठीक ये पता है, आपको नहीं पता तो जान लीजिए ये एक होता है अब आपसे क्या है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका वेग बदलता है उसका वेव बदलता है वेग बदलता है ठीक है और उसका तरंग धैर्य भी बदलता है क्या नहीं बदलती फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती आवृत्ति नहीं बदलती क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर निर्भर करती है भाई लाइट की सोर्स तो वही है ना आपने माध्यम जब भी भी आप माध्यम बदलेंगे ना तो माध्यम बदलने पर आपकी वेग बदल जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है सोर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं अपवर्तनांक किसको कहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप फिजिक्स में म्यू से दिखाते हैं और ये दो चीजों का अनुपात है ठीक है आप लाइट की स्पीड लेते हैं प्रकाश की गति लेते हैं निर्वात में यानी कि वैक्यूम में बटे लाइट की स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट में <clears throat> क्या बोले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों के बीच का रेशियो है प्रकाश की गति निर्वात में यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा आपकी रहेगी की पावर एट और नीचे आप क्या लिखते हैं जिस भी माध्यम में आपको देखना है उस माध्यम में लाइट की क्या स्पीड है इन इसके बीच के हैं क्या यहाँ पर कोई यूनिट होगी जी नहीं यहां पर कोई यूनिट नहीं होती ऊपर लाइट की स्पीड नीचे लाइट की स्पीड कैंसिल हो गई यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है और आमतौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान एक से ज्यादा होता है कारण क्या है क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमेशा ज्यादा ही होती है आया बात समझ में अब यहां से हमको एक चीज पता चलती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड के माध्यम में उल्टा रिश्ता है ऊपर वाली चीज देखो स्थिर है ऊपर वाली चीज नहीं बदलेगी क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में थ्री इंटू टेन टू द पावर एट रहेगी ही रहेगी ऊपर वाली चीज स्थिर है इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और लाइट की स्पीड ऑब्जेक्ट के बीच में उल्टा रिश्ता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा आपको पता है जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है हम उसको कहते हैं सघन माध्यम डेंस मीडियम और वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी वहां पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है हम उसको कहते हैं विरल माध्यम जैसे पानी और कांच की तुलना कर लीजिए सॉरी हवा और ये हवा और कांच की तुलना कर लीजिए या हवा और पानी की तुलना कर लीजिए ठीक है हवा को हम विरल माध्यम कहते हैं हवा को क्या कहते हैं रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम यहां पर स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है पानी या कांच हवा की तुलना में डेंस माध्यम कहलाता है क्योंकि उनका अपवर्तनांक ज्यादा है ठीक है ये बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए हम एक बार ऐसे ही बस रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको चीजें क्लियर हो जाए विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन देखिए सूर्य से जो विकिरण निकल रही है बहुत तरीके की निकलती है परा नहीं निकलती है अल्ट्रा वायलेट इंफ्रा रेड आपसे कह रहा है उसका नाम बताइए जो विजिबल है जो कि विजिबल है तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 400 से 700 नैनोमीटर एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस नौ मीटर के बराबर 400 से 700 नैनोमीटर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके नाई की दुकान में दो समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं जब आप बाल कटवाते हैं तो नाई पीछे आपको लाके एक मिरर देता है देखते हो एक मिरर आगे लगा होता है एक मिरर वो नाई पीछे लगाता है आप डेली लाइफ से भी कह सकते हैं कि मैम ये दोनों एक दूसरे के पैरल होते हैं एक मिरर हमारे सामने एक मिरर पीछे ऐसे नाई लगा देता है यानी एक दूसरे के समांतर होते हैं उसका कारण क्या है क्यों लगाया उसने समांतर क्योंकि कभी भी दो मिरर अगर पैरल बनते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है जिससे आपको दिख जाता है कि आपके बाल किस एंगल पर कितने कटे हैं पीछे से ठीक लग रहे हैं कि नहीं ठीक है कभी भी अगर ये देखना हो ना तो हम फॉर्मूला लगाते हैं तीन सौ साठ बटे थीटा माइनस वन बात सुनना दो मिरर जब एक दूसरे के पैरल रखे जाएंगे पैरल जब हम रखते हैं तो दोनों के बीच का एंगल शून्य है दो चीजें जब पैरल होती हैं तो दोनों के बीच का एंगल शून्य है तो थ्री जीरो कर दो कोई भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी आता है अनंत आता है ठीक है यहीं पर बता दीजिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री मतलब तीन सौ साठ बटे नब्बे माइनस वन यानी यहां पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे तीन प्रतिबिंब तो कभी भी आपको यह जानना हो कि मिरर एंगल पे रखे हुए हैं कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं फॉर्मूला लगाइएगा 360 बटे थीटा माइनस वन थीटा क्या है एंगल यानी कि कोण मिरर के बीच में तो कभी भी पैरेलल रखिएगा अनंत इमेजेस बनेंगे और आपको बेहतर क्या होगा दिखाई देगा अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे फिर से वही ट्रिक मैम ने आपको तीन मिरर बताए हैं समतल यानी प्लेन उत्तल और अवतल प्लेन मिरर आप तैयार होने के लिए यूज करते हैं आप सीधे हैं तो इमेज भी सीधा है मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है सीधा है तो वर्चुअल होगा आभासी होगा कॉन्वेक्स गाड़ी के साइड में होता है पीछे से गाड़ी सीधी आ रही है तो सीधी ही दिखती है ये भी वर्चुअल होगा तो बचा क्या अवतल कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण समझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तीनों लिख लो तीनों लिख लो और फिर ऐसे सॉल्व करो विजिलेंस मिरर देखिए बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं है ना डिपार्टमेंटल स्टोर शोरूम होते हैं उसमें काफी भीड़ इकट्ठे आती है तो बड़े बड़े स्टोर रूम में वो निगरानी करने के लिए ऐसे मिरर्स रखते हैं बड़े बड़े निगरानी करने के लिए आपसे कह रहा है कि जो विजिलेंस मिरर है यानी निगरानी करने के लिए दर्पण है वो दर्पण कैसा होना चाहिए अब आप खुद बताइए कि अगर ये प्लेन मिरर यूज करेंगे तो क्या होगा भाई लोग तो सीधे दिखेंगे लेकिन प्लेन मिरर में सेम साइज के दिखेंगे कॉनकेव इस्तेमाल करें तो कॉनकेव में उल्टा भी दिख सकता है क्योंकि कॉनकेव अधिकतर परिस्थिति में रियल इमेज बनाता है आप कॉन्वेक्स इस्तेमाल करिए उसके पीछे कारण क्या है क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा यानी जो दुकान में कस्टमर होंगे वो बिल्कुल आपको सीधे सीधे नजर आएंगे ठीक है और साथ ही साथ छोटा प्रतिबिंब बनाता है छोटा बनाने से क्या होगा कि एक ही मिरर में आपको सारे लोग दिख जाएंगे समझी स्वर्णलता ए आंसर क्यों नहीं होगा क्योंकि प्लेन मिरर में सब बराबर साइज के दिखेंगे जितने हैं उतने ही साइज के दिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करिएगा तो जितने भी आपके ग्राहक हैं जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपको सीधा दिखेंगे और साइज में छोटे दिखेंगे इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि आप एक ही मिरर में सबको इकट्ठे देख सकते हैं निगरानी रख सकते हैं बेहतर तरीके से क्या होगा कॉन्वेक्स होगा जवाब <coughs> वाहनों में लगे मिरर रियर व्यू मिरर यानी कि जो साइड मिरर होता है बताइए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा अब आपको पता है साइड में कौन सा मिरर लगा था वही कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण क्या करता है एक ही दर्पण में हमको बस ट्रक सबका प्रतिबिंब दिख जाता है सबका छोटा प्रतिबिंब दिखता है मतलब ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला ही है इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन एक से कम आएगा एक से कम आएगा सुगंधा कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा एक से कम आएगा मोर देन वन कैसे लिख रहे हो भाई आपसे कह रहा है रेयर व्यू मिरर गाड़ी के साइड में जो लगाते हैं उसमें प्रतिबिंब छोटा दिखता है ना प्रतिबिंब छोटा दिखता है बी और डी जैसे जवाब दे रहे हैं कैसे चलेगा ऐसे <coughs> अगला सवाल जो पूरे मिरर का क्लियर कर देता है एक बच्चा जादुई शीशे के सामने खड़ा है ठीक है जादुई शीशे के सामने एक बच्चा खड़ा है उसको क्या दिख रहा है एक बच्ची खड़ी है उसको दिख रहा है कि उसका सिर जो है वो बड़ा है ठीक है उसका जो सिर दिख रहा है उसको बड़ा दिख रहा है बीच वाला सेम साइज का दिख रहा है सेम साइज का दिख रहा है समान आकार का दिख रहा है और उसके पैर जो है पैर उसको छोटे नजर आ रहे हैं पैर उसको छोटे नजर आ रहे हैं बताइए कौन सा मिरर है सेम साइज कौन बनाता है सेम साइज वही बनाता है जिसको आप तैयार होने पर इस्तेमाल कर रहे हैं तैयार होने के लिए आप किसको इस्तेमाल करते हैं प्लेन मिरर को यानी बीच वाला प्लेन मिरर है बीच वाला प्लेन मिरर है ठीक नीचे दिख रहा है छोटा बना रहा है छोटा कौन बनाता है जो गाड़ी के साइड में रहता है यानी यह उत्तल दर्पण है और बड़ा कौन बना सकता है बड़ा बना सकता है कॉनकेव यानी अवतल ठीक है तो पहले आएगा अवतल समतल और फिर उत्तल सी सही आंसर कुछ नहीं करना है आपको बस याद रखना है हम सुबह उठे तैयार हुए प्लेन मिरर में खुद को देखे जो ड्रेसिंग टेबल पर मिरर है वो प्लेन मिरर है सेम साइज बना रहा है गाड़ी के साइड में कॉन्वेक्स मिरर है छोटा बना रहा है ये तो आपने भी देखा होगा महसूस किया होगा इन चीजों को ये कोई मैं अलग बात नहीं कर रही हूं ठीक है थेके? अलग चीज आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर है आइए क्वेश्चन नंबर बारह पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह क्या कह रहा है कि प्रकाश से आने वाली किरणें एक कॉनकेव मिरर पर यानी कि अवतल दर्पण पर आकर मिल रही हैं, ठीक है पंद्रह सेंटीमीटर दूर आकर मिल रही हैं, ठीक है पंद्रह सेंटीमीटर दूर आकर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं आप बताइए आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाए क्या कह रहा है कि इस केस में आपको ऐसा दिख रहा है कॉनकेव मिरर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अवतल दर्पण इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए आप ऑब्जेक्ट को कहा रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो जाए बैक टू टेबल टेबल में आपको हम एक चीज बहुत क्लियरली लिखवाए हैं दो मिनट दीजिए अभी टेबल खोलते हैं तो याद आएगा याद है कॉनकेव मिरर के बारे आपको हम एक चीज बहुत स्पष्ट भाषा में लिखाए थे कि कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण जो है सेम साइज का इमेज कब बनाता है सेम साइज का इमेज कब बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं बताए थे थोड़ी देर पहले ही बताए बस इसी फंडा को इस्तेमाल कर लो क्वेश्चन में क्वेश्चन में इसी फंडा को इस्तेमाल कर लो कहा <coughs> गया क्वेश्चन अपना हाँ ठीक है इसका मतलब है यहां पर भी यही कह रहा है कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण है और सेम साइज का मिल रहा है वस्तु का आकार छवि का आकार बराबर है मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखिएगा आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिएगा क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया कि प्रकाश से आने वाली किरणें मिरर से पंद्रह सेंटीमीटर दूर मिल रही हैं, ठीक है देखिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर मतलब इसका क्या है प्रकाश की किरणों को पास लेके आता है ठीक है तो इसने क्या किया ये सूर्य से प्रकाश की किरणों को पास लेकर आया जिस जगह पर इकट्ठे लेकर आता है उस जगह को फोकस नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है फोकस नाम दिया जाता है यानी कि फोकल लंबाई कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर जितनी लंबाई ये होती है उतनी ही लंबाई ये भी होती है तो अगर ये पंद्रह है तो ये भी पंद्रह है कुल दूरी कितनी हुई पंद्रह प्लस पंद्रह यानी कि तीस सेंटीमीटर पंद्रह प्लस पंद्रह यानी कि तीस सेंटीमीटर तो आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखिएगा लवली जी तो इमेज भी सी पर बनता है इमेज भी सी पर बनता है ठीक आइए क्वेश्चन नंबर तेरह पे आपसे कह रहा है अभी इस क्वेश्चन के लिए रुक जाएंगे क्योंकि आपको हमने अभी लेंस नहीं पढ़ाया है इस क्वेश्चन के लिए रुक जाइए थोड़ा देर बस लेंस पढ़ा के आते हैं इस पर अगला सवाल आप क्या कह रहे हैं आप एक मिरर की बात कर रहे हैं ठीक है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर आकर गिर रही है एंगल पर आपसे पूछ रहा है तो चलिए यहां पर प्लेन मिरर बना लेते हैं प्लेन मिरर है ये ये नॉर्मल है अभिलंब है प्रकाश की किरण आ रही है और ये आकर क्या कर रही है दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है ये क्या कर रही है ये दर्पण के साथ ये रहा मिरर और ये रही लाइट दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो जरा बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ भाई ये टोटल एंगल 90 डिग्री ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है 90 डिग्री उसमें ये 30 डिग्री तो ये होगा ना 60 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कितना है 60 डिग्री है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हैं अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा अधिकतर लोग इसमें 30 जवाब दे रहे हैं 30 गलत है 30 लिख रहा है डियर मिरर के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा ये 60 तो ये भी 60 बहुत लोग तीस जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए ठीक है ये देखिए इंसिडेंट रे जो है तीस डिग्री इसके साथ बना रहा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल साठ डिग्री होगा ना क्योंकि ये टोटल नब्बे होता है ये साठ तो जाहिर सी बात है ये भी साठ होगा कहां कहां मिस्टेक कर रहे हो मिस्टेक देखते चलना सब लोग टॉर्च और सर्च लाइट में बताइए जो हम हेडलाइट में बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसको कहाँ पर रखेंगे भाई देखिए टॉर्च सर्च लाइट टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च जलाने के बाद आप क्या सोचते हैं कि आपको पास का दिखे या दूर का भी दिखे आप टॉर्च तभी जलाते हैं जब आपकी इच्छा ये होती है कि हमको दूर का भी नजर आए तो टॉर्च जलाते वक्त आप जो बल्ब लगाएंगे वो बल्ब कहाँ पर लगाना चाहेंगे पोल और फोकस के बीच में लगाइएगा फोकस के पास लगाइएगा एफ और सी के बीच लगाइएगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अब आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं ये चीज ये मिरर है बीच में से जो लाइन पास करती है हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं मिरर का सेंट्रल पॉइंट पोल कहलाता है ध्रुव कहलाता है जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हैं हम उसको फोकस कहते हैं ठीक है और थोड़ी दूर पर जाके मतलब जिस गोले से ये गोल मिरर लिया है उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक अब हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप कभी भी प्रकाश की किरण को इन्फिनिटी पर रखते हैं प्रकाश की किरण अगर अनंत दूरी पर रहती है ना तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पर आकर मिलती है फोकस पर आके मिलती है. कभी भी प्रकाश की किरण अगर आपने इंफिनिटी पर रखी अनंत दूरी पर रखी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा और आप देखिए फोकस पर बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा ठीक है लेकिन कभी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा ना कभी भी आप अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनता है उल्टा होता है ठीक है क्या होता है उल्टा होता है आप खुद सोचिए अगर आपने हेडलाइट को फोकस के पास रखा तो क्या होगा इमेज बनेगी इंफिनिटी पर मतलब जो टॉर्च से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, वो बिल्कुल पैरेलल निकलेगी और बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा यही तो मकसद है आपके टॉर्च का यही तो मकसद है आपके टॉर्च का कि आप उसको फोकस के पास अगर रखिएगा तो इमेज जो होती है वो इंफिनिटी पर बनती है अनंत दूरी पर बनती है और अनंत दूरी की चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी फिर <coughs> सोलर कुकर सोलर कुकर में आप क्या इस्तेमाल करिएगा सोलर कुकर का मतलब क्या है कि जो सौर्य की ऊर्जा को प्रयोग करके खाने में बदलेगा हीट एनर्जी में बदलेगा है कि नहीं तभी तो खाना पकेगा अब आप उसमें कैसी मिरर लगाइएगा जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करे अवतल दर्पण क्या करती है प्रकाश की किरणों को पास लेकर आती है इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं उत्तल दर्पण क्या करता है प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाता है इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर का नाम देते हैं ठीक है तो सोलर कुकर में आप कैसा मिरर प्रयोग करिएगा जाहिर सी बात है अवतल दर्पण क्यों आप चाहते हैं कि प्रकाश की किरणें सारी पास आए और उस जगह पर मिले ताकि वहां पर हीट बढ़े और उससे आपका खाना बन जाए <coughs> भाई बताइए अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर एक इमेज बना रहा है जो कि वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा है तुमको बता चुके हैं अवतल दर्पण 99% केस में रियल बनाएगा सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनाएगा सिर्फ एक केस में आभासी बनाता था कब जब आप ऑब्जेक्ट को रखते थे पोल और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते थे कहां पर पोल और फोकस के बीच में है कि नहीं बता चुके थे एक्सेप्शन इसी पर आता है सवाल एग्जाम्स में आता है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा तो सेम साइज का बनेगा अगर आप क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर आप लोग बी दे रहे हैं तो तो क्या होगा पोल और फोकस ठीक ये देखिए इमेज कैसा बन रहा है आभासी बन रहा है और साइज में बड़ा बन रहा है ठीक एक शीशे के सामने खड़े वैक, खड़ा व्यक्ति है उसको अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिख रहा है भाई प्लेन मिरर क्या करता है प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है कॉन्वेक्स छोटा बनाता है बड़ा दिखता है तो जाहिर बात है ये अवतल दर्पण ही करता है ये अवतल दर्पण ही करता है मुझे लगता है अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा शायद ये मैं उम्मीद कर रही हूं अगला सवाल कोई फर्क नहीं पड़ता आप दर्पण से कितने दूर खड़े हैं लेकिन आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है साइज कुछ नहीं कहा कहा कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दूर हैं आपका इमेज सीधा बन रहा है भाई कॉनकेव कैसा बनाता था अवतल दर्पण हर तरीके का बनाता था अधिकतर केस में रियल और उल्टा बनाता था तो ये जवाब नहीं होगा आप शीशे में खड़े रहते थे खुद को सीधा देखते थे गाड़ी की साइड में खुद को सीधा देखते थे भाई ये भी तो सीधा बनाता था कि नहीं गाड़ी के साइड वाला भी तो सीधा बनाता था आपको नहीं लगता डी बेहतर होगा डी बेहतर होगा उन्नीसवा का जवाब ठीक आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर रियल इमेज के बारे बताइए कौन सी बात सही है रियल इमेज वो है जो कि स्क्रीन पर बन सकता है स्क्रीन का मतलब क्या है कोई भी दीवार ठीक है रियल इमेज का मतलब ही है कि अगर दीवार पर भी आप देखेंगे तो वो प्रतिबिंब बन सकता है ठीक है क्या ये बात सही है जी हां वर्चुअल इमेज वास्तविक में नहीं बनता हम सिर्फ प्रतीत करते हैं कि वो बन गया तो रियल इमेज वही है कि कोई भी स्क्रीन पर या किसी भी दीवार पर वो बन जाए कह रहा है कि ये उल्टा होगा बिल्कुल सही जो रियल इमेज है वो उल्टा तो होगा ये बात भी सही है लेकिन क्या वो हमेशा बड़ा ही बनेगा नहीं ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बड़ा बने वो छोटा भी बन सकता है साइज में वो छोटा भी बन सकता है ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बड़ा बने नहीं वो छोटा भी बन सकता है साइज में ठीक है तो ये कथन गलत हो गया सिर्फ और सिर्फ पहला कथन जो है वो सही है ठीक <coughs> चलिए अब हम किस पर आएंगे अब हम लेंस पर आएंगे हमने मिरर पढ़ लिया तो अब हम लेंस के बारे में बात करेंगे लेंस में होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन रिफ्लेक्शन मिरर में होता है पेरिस्कोप वगैरह में भी आपका क्या इस्तेमाल होता है मिरर इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें आपको अपने से ऊपर किसी चीज को देखना है अपने लेवल से ऊपर किसी चीज को देखना है तो आप पेरिस्कोप इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी मिररर लगते हैं ठीक है अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब है अपवर्तन रिफ्लेक्शन क्या था कि प्रकाश जिस माध्यम में जा रही थी उसी में लौट जा रही थी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है रिफ्रैक्शन का मतलब है मीडियम चेंज होना माध्यम बदल जाना प्रकाश की किरण जब माध्यम बदले तो हम उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं जैसे मान लीजिए ग्लास है मैंने ग्लास में पेंसिल डुबो दी आप देखते होंगे ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गई है क्यों ऐसा लगता है क्योंकि प्रकाश ने माध्यम बदला ग्लास आधा खाली है तो आधे में हवा है आधे में पानी है मीडियम चेंज हुआ एयर और वाटर से तो कभी भी प्रकाश की किरणें अपना मीडियम चेंज करें माध्यम बदलेंगी तो उनके लाइट के स्पीड में अंतर आएगा और लाइट की स्पीड में में अंतर अंतर आएगा आएगा तो दिशा में अंतर आएगा. पहला केस देखिए यहां पर हमने क्या किया है दो मीडियम रखे पहला मीडियम रेयर मीडियम है विरल माध्यम है रेयर मीडियम का मतलब क्या है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है मतलब जहां पर लाइट की स्पीड क्या है ज्यादा है लाइट की स्पीड क्या है ज्यादा यह डेंस मीडियम है मतलब लाइट की स्पीड क्या है कम है तो कभी भी प्रकाश की किरण रेयर से डेंस मीडियम में आएगी रेयर मीडियम का एग्जाम्पल है हवा डेंस मीडियम का एग्जाम्पल है पानी हवा से पानी में आएगी तो क्या होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और अगर उसकी स्पीड कम हुई तो क्या हो जाएगा <clears throat> क्या हो जाएगा वो नॉर्मल के तरफ आ जाएगी स्पीड कम हो गई ना स्पीड कम हो गई तो वो नॉर्मल के तरफ आ जाएगी टू वर्ड्स नॉर्मल अभिलंब के तरफ आ जाएगी उल्टा केस ये डेंस मीडियम है डेंस मीडियम मतलब पानी रेयर मीडियम मतलब हवा प्रकाश की किरण कभी भी सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी कोई भी अगर रेयर मीडियम है तो वहां पर स्पीड जो है वो ज्यादा है ज़्यादा होगी तो क्या होगी दूर चली जाएगी अभिलंब से दूर चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है इसी के वजह से आपको तारों का टिमटिमाना दिखता है क्योंकि तारे जो हैं, जो उनसे रोशनी आ रही है वो आपके वायुमंडल के अलग अलग लेयर से होकर आ रही है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है सबका अपवर्तनांक अलग है तो सब में लाइट की स्पीड अलग है और इसलिए हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं मछली पकड़ना क्या सबके बस की बात है नहीं है सबके बस की बात क्यों जी मछली पकड़ना बस का बात नहीं है? ये, रहा ये रहे तुम तुमने नेट डाली ऊपर हवा नीचे पानी माध्यम चेंज हुआ मीडियम चेंज हुआ लाइट की रे हवा से पानी में जा रही है मतलब क्या होगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी हम्म नॉर्मल के तरफ झुक जाएगी ये मतलब ये अपनी दिशा बदल लेगी और तुमको लगेगा कि भाई मछली तो सीधी ही है तो तुम नेट सीधा डालोगे पता चला मछली यहाँ पर है ठीक है ये सब चीजें आपको किसके वजह से देखने को मिलती हैं रिफ्रैक्शन के वजह से ही देखने को मिलती है दो मिनट पहले सूर्योदय होता है असल में दो मिनट सूर्योदय से दो मिनट पहले हमको सूरज दिखता है और सूर्यास्त के दो मिनट के बाद तक हमको सूरज दिखता रहता है ये भी रिफ्रैक्शन के चलते ही है तो रिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना जहां पर क्या होता है कभी भी लाइट अगर अपना माध्यम बदलती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है स्पीड बदलेगी तो जाहिर सी बात है दिशा बदल जाएगी है कि नहीं लेंसेज <coughs> में लेंस में रिफ्रैक्शन होता है अब लेंस क्या होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज से आप लेंस बना सकते हैं एल्यूमिनियम की लेंस नहीं बनती कांच की बन सकती तो कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज से आप लेंस बना सकते हैं ठीक है और लेंस के दोनों भाग दो भाग होते हैं दोनों के दोनों गोल होते हैं ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस जिसको हम ऐसे दिखाते हैं और फिर आते हैं आपके कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस जिसको आप ऐसे दिखाते हैं अब क्यों लेंस और मिरर एक जैसा है अब मेरा बात सुनना मजेदार पार्ट तुमको अगर मिरर समझ में आ गया तो लेंस ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा कैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल कॉनकेव मिरर के जैसा है बिल्कुल अवतल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में क्या हो रहा था अवतल दर्पण में क्या हो रहा था याद करो मैम प्रतिबिंब सब बन रहा था रियल बन रहा था इनवर्टेड बन रहा था सब बन रहा था ना यहां पर भी वही बनेगा फर्क क्या है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर लेंस में रिफ्रैक्शन होता है लेंस में रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन होता है मिरर में रिफ्लेक्शन होता है मिरर में रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन का मतलब है प्रकाश माध्यम बदलेगा तो यहां पर प्रकाश किरण आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी इस दिशा में नहीं इसने माध्यम बदला हवा से कांच कांच से फिर से हवा ठीक है तो इस वजह से हम यहां पर दो दो फोकस इस्तेमाल करते हैं वहां पर एक ही फोकस था यहां पर दो दो फोकस है ठीक है यहां पर दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर में हम पोल इस्तेमाल करते थे यहां पे ऑप्टिकल सेंटर इस्तेमाल करते हैं आया बात समझ में ठीक है मिरर के केस में हम क्या पढ़े थे कि वहां पर जो भी चीजें आप कॉनकेव का पढ़े थे उसको टेप दो यहां पर अभी टेबल बनवाएंगे तो और क्लियर होगा कॉनकेव लेंस जो है बिल्कुल, की तरह काम करता है. बिल्कुल उत्तल दर्पण की तरह काम करता है उत्तल दर्पण क्या कर रहा था आप याद करिए उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना रहा था तो यह भी कैसा प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा ही सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा बिल्कुल उसके जैसा जब तक कोई टेंशन लेना ही नहीं है बात ही खत्म आओ टेबल बनाए इसका टेबल बना के फट से क्लियर होगा फट से इसका क्वेश्चन करेंगे बोले ना मिरर लेंस बहुत आसान है अगर तुम समझ गए इसको ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मिरर पहले अच्छे से करना तुम लोग जब रिवाइज करोगे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के तो मिरर पहले अच्छे से करना लेंस फिर चुटकियों में हो जाएगा जरा लेंस का डायग्राम बना वो बनाए टेबल एक मिनट आ जाओ अवतल और उत्तल क्या बोले तुमको कि अवतल लेंस जो है ये लेंस है ठीक है ये लेंस जो है कॉन्केव लेंस कैसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं ये बिल्कुल कैसा है बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह है यानी यहां पर इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है सीधा होता है कैसा होता है सीधा होता है ठीक है इमेज साइज कैसा होगा छोटा होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई ऊपर वाली चीज छोटी है तो जाहिर सी बात है आवर्धन आपका एक से कम होगा भाई घर में मैजिक आई है तुम्हारे जो घर का दरवाजा होता है उसमें एक छोटा सा गोल सा कांच लगा होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन आया बाहर क्या है वो कॉन्केव लेंस ही है क्योंकि हमको दिखता है कि जो बाहर खड़ा मेहमान है वो हमको सीधा दिखता है और साइज में छोटा दिखता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा है बिल्कुल कॉन्केव मिरर के जैसा है ना यहां पर लेंस की बात कर रहे हैं ऐसा दिखता है ये यह। यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा 99 केस में रियल बनेगा वर्चुअल कब बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो वहां पर कब बनता था पोल और फोकस के बीच में यहां पर बस शब्द बदल जाएगा यहां पर फोकस तो फोकस तो ही रहेगा लेकिन पोल को हम प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते तो सिर्फ एक केस में यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा देखिए ये एमसीक्यू बैच है मुझे जितना एफर्ट लग रहा है मैं मैक्सिमम कर दे रही हूं फाउंडेशन बैच नहीं है आ, तो थोड़ा आप लोगों को भी इनपुट्स अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे है ना एक बार किताब सामने रख के इमेज साइज की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा छोटा भी बनेगा और सेम साइज का भी बनेगा मिरर सेम साइज का कब बन रहा था जब आप ऑब्जेक्ट को रख रहे थे सी पर तो यहाँ पे सेम साइज कब बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा यहाँ पर सी नहीं लिखकर हम लोग टू लिखते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा एक के बराबर भी होगा एक से ज्यादा भी होगा एक से कम भी होगा बिल्कुल सेम है कहाँ उपयोग करते हो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास जो ज्योतिषी आपका हाथ देखते, है देखते हैं ना लकीरें देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप इस्तेमाल करते हैं यही होती है आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप इस्तेमाल करते हैं यही होती है हम लोग पढ़ चुके हैं माओपिया और हाइपरमेट्रोपिया बायोलॉजी में ही आपको पढ़ा दिया था हमने मायोपिया को ठीक करने के लिए आप कैसा लेंस इस्तेमाल करते थे कॉनकेव लेंस क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाती थी है कि नहीं हाइपरमेट्रोपिया <coughs> के, के केस में आप कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते थे ठीक है हम्म चले आगे क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है रात में तारों का टिमटिमाना रात में तारों का टिमटिमाना किस वजह से होगा अभी बताए थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्शन के वजह से रिफ्लेक्शन में तो भाई लाइट उसी माध्यम में वापस आ जाता है पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है पोलराइजेशन का मतलब होता है जैसे देखिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं लेकिन पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो लाइट की वेव होगी उसको एक ही प्लेन में सीमित कर दिया जाएगा यह पोलराइजेशन का मतलब होता है ठीक आइए क्वेश्चन बाईस पर साइन कन्वेंशन अब मेरा बात सुनो साइन कन्वेंशन भी लोगों को कंफ्यूज करता है डरना नहीं है कोई भी चीज जो केंद्र के दाहिने साइड होती है जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री

ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र को मानते हैं लेंस के केस में ना दो दो फोकस होते हैं अब आप खुद देखिए ये ये वाला फोकस जो है ये दाहिने साइड है यानी अगर ये फोकस इस्तेमाल होगा तो पॉजिटिव ये फोकस केंद्र के बाएं साइड है यानी कि अगर ये फोकस इस्तेमाल होगा तो नेगेटिव कॉनकेव लेंस की आदत होती है प्रकाश की किरणों को दूर लेकर जाने की दूर लेकर जाने की कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता था वर्चुअल इमेज जिसमें कि आप इमेजिन करते थे कि हम उसको पीछे खींच रहे हैं यहां पर भी आप इमेजिन कर रहे हैं कि उसको पीछे खींच रहे हैं तो अगर आप उसको पीछे खींचिएगा तो आपने कौन सा फोकस इस्तेमाल किया ये वाला फोकस इस्तेमाल किया ये लेफ्ट साइड में है बाएं साइड में है इसीलिए यहां पर कोई भी चीज सेंटर से लेफ्ट होती है तो नेगेटिव कहलाती है क्या कहलाती है नेगेटिव कहलाती है ठीक है तुमको कभी भी अगर क्वेश्चन में बस कॉन्केव दिख जाए ना अवतल दिख जाए आगे लेंस लिखा है मिरर लिखा है नेगेटिव ही होगा तुमको यही मैं मिरर के केस में दिखाती हूँ कॉनकेव मिरर में ये रहा ओ ये रहा एफ है ना सेंटर ये मान लो सेंटर से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा कि नहीं तो तुम क्वेश्चन में बस कॉन्केव देखना अवतल देखना और अगर तुमसे फोकल लेंथ पूछता है तो कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी जो लोग चश्मा पहनते हैं और आपकी पावर नेगेटिव है आप कहते हैं मेरे पास माइनस टू का चश्मा पहनते हैं समझ जाइएगा आप कॉनकेव लेंस लगाते हैं ठीक है चलिए ये देखिए यहां पे साफ लिखा है देखिए ये सेंटर है सेंटर से लेफ्ट साइड है तो फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा अब हम आपको कॉन्वेक्स भी दिखा देते हैं कॉन्वेक्स केस में हम लोग कौन सा फोकस इस्तेमाल करते हैं दाहिने साइड वाला इस्तेमाल करते हैं इसीलिए कॉन्वेक्स केस में उत्तल के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है ठीक है ना <clears throat> प्रकाश की किरणें एकत्रित किस्में होती हैं एकत्रित किस्में होती है कन्वर्जिंग लेंस में पास लाने का काम किसका है कॉन्वेक्स लेंस का है कॉन्वेक्स लेंस का काम है पास लाने का ठीक है सबका कमेंट शो हो रहा है आप लोग आराम से पढ़िए चिंता मत करिए प्रिज्म क्या करता है प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है आपसे क्या कह रहा है कि अवतल लेंस कैसा इमेज बनाएगा ध्यान रखना अवतल लेंस किसके जैसा है उत्तल दर्पण के जैसा उत्तल दर्पण हम लोग गाड़ी के साइड में यूज करते थे छोटा बनता था और सीधा बनता था छोटा बनता था और सीधा बनता था वर्चुअल बनता था और सीधा बनता था जवाब दे दीजिएगा डी कॉन्वेक्स लेंस है कैसा लेंस है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस किसके जैसा काम करता है कॉनकेव मिरर के जैसा आपको कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये रहा ऑप्टिकल सेंटर ये रहा फोकस अरे वहां पे पोल एंड फोकस पढ़े थे यहां पर ये पढ़े एक ही केस में इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है आभासी बनता है और साथ ही साथ आभासी के साथ कैसा बन रहा है बड़ा भी बन रहा है साइज में आभासी तो है ही साइज में बड़ा भी बन रहा है तो वर्चुअल एंड मैग्निफाइड बताए थे ना कि एक ही केस में वर्चुअल बनता है ये रहा ये देख लीजिए देखो इमेज यहां बड़ा ठीक कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस ये वाला लेंस अवतल लेंस किसके जैसा कॉन्वेक्स मिरर के जैसा वही कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ी के साइड में लगाते हैं कैसा बनता है मैम सीधा बनता है और छोटा बनता है सीधा बनता है और छोटा बनता है आभासी और छोटा देख रहे हो बस अभी देखते जाओ अगर आप में से कोई लोग इनको बिल्कुल नहीं आता है तो देखते जाइए कैसा बनता है बताइए इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बनाने के लिए ठीक है आभासी और बड़ा अब एक बात याद करना कभी भी अगर आप कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं अवतल इस्तेमाल करते हैं आभासी तो बनता है लेकिन साइज में छोटा बनता है यहां पे क्या कहा आभासी और बड़ा आभासी के साथ बड़ा तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस होगा उत्तल लेंस होगा और आप कब बनाएंगे जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ओ के बीच रखते हैं ये रहा ओ ये रहा फोकस। <coughs> आए हम लोग क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पर बताइए जब कोई किरण केंद्र की के तरफ आती है तो पावर क्या होगी जब कोई किरण केंद्र के तरफ आ रही है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है पास आना मतलब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस यानी कि उत्तल लेंस उत्तल लेंस में हम लोग फोकस कौन सा इस्तेमाल करते हैं दाहिने साइड वाला ये सेंटर है सेंटर से दाहिने साइड वाला तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा पावर का क्या फॉर्मूला होता है पावर होता है एक बटा एफ और f हमेशा मीटर में होना चाहिए ठीक है तो जाहिर सी बात है इसका पावर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो आपका चश्मा अगर प्लस पावर का है तो समझ जाइए आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं <coughs> कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है पावर कितनी होगी देखो कभी भी पावर लिखना हो तो फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ लेकिन ध्यान रखना कि ये पावर फोकल लेंथ जो है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए अगर सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में बदल दीजिए ठीक है मतलब एक बटे पचास बटे सौ सेंटीमीटर को बदलने के लिए आप क्या करते हैं सौ से डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर हो गया दो डायोप्टर के बराबर हो गया ठीक है तो डायोप्टर यूनिट होती है जिससे हम लोग लेंस की पावर को मेजर करते हैं और उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर देगा तो आप उसको मीटर में परिवर्तित कर देंगे सौ से डिवाइड करके ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी पर आइए आवर्धक कांच मैग्निफाइंग लेंस के रूप में आप किसको यूज करेंगे जो चीजों को बड़ा बनाए जो चीजों को बड़ा बनाए कॉनकेव लेंस क्या करता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है प्लेन मिरर सेम साइज का बनाएगा भाई मिरर को आप कैसे इस्तेमाल कर लीजिएगा डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है जो प्रकाश किरणों को दूर लेकर जाए ये हम लोग अवतल लेंस को ही कहते हैं ठीक है कन्वर्जिंग लेंस लेंस किसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस को जो प्रकाश की किरणों को पास लेकर आता है हु? जाइए क्वेश्चन नंबर इकतीस पर ये आपके पिछले ए, पिछले के पिछले एग्जाम में आया था अभी कोई बोल भी रही थी कि ये वाला क्वेश्चन कराइए सवाल देखना क्या किया गया है आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है यानी कि उत्तल लेंस लिया गया है ठीक है जिसकी फोकल लंबाई आपको दे दी गई है बीस सेंटीमीटर ठीक आपसे किया क्या गया है कि इस लेंस के ऊपर काले स्ट्राइप्स चिपका दिए हैं ऐसे इस लेंस के ऊपर क्या कर दिए गए हैं काले स्ट्राइप्स चिपका दिए गए हैं ठीक है ठीके? और आपको किया क्या गया है यहां पर एक सफेद घोड़ा ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया है है आपसे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बताइए कैसा बनेगा अब कुछ लोग कहेंगे कि घोड़ा का ज़िब्रा बना दीजिए एक बात बताइए लेंस क्या करता है आप कहिएगा मैम लेंस रिफ्रैक्शन करता है अपवर्तन करता है मतलब प्रकाश की दिशा ब... बदलती है क्योंकि प्रकाश की क्या बदल जाती है स्पीड बदल जाती है तो घोड़े का जिब्रा बन जाएगा कि मैम ये जो स्ट्राइप्स हैं ये स्ट्राइप्स घोड़े पर आ जाएंगे तो घोड़ा जिब्रा में बदल जाएगा नहीं रे होगा क्या सुनो मेरा बात ध्यान से ये लेंस पूरा रिफ्रैक्शन कर रहा था पूरा का पूरा इसका सतह अपवर्तन कर रहा था आपने बीच में काली पट्टी लगा दी इसका मतलब है कि आपने उसका ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दिया उसका पारदर्शी होना खत्म कर दिया रिफ्रैक्शन अभी भी होगा अभी भी रिफ्रैक्शन होगा लेकिन अब समझिए आधे सतह पर होगा कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता है कि आपने एक लेंस लिया और उसके नीचे वाले पूरे हिस्से को काला कर दिया तो बताओ क्या होगा तो रिफ्रैक्शन अभी भी होगा इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा फर्क क्या है कि आपने सतह को आधा ढक दिया मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ब्राइट नहीं दिखेगा वो उतना विस्तृत नहीं दिखेगा उतना चमकदार नहीं दिखेगा तो सफेद घोड़ा सफेद घोड़ा ही दिखेगा ऐसा नहीं है कि घोड़ा का जीबरा बन जाएगा ठीक है सफेद घोड़ा सफेद घोड़ा ही दिखेगा लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उतना सशक्त या उतना प्रबल नहीं दिखेगा समझे क्योंकि रिफ्रैक्शन अभी भी हो रहा है फर्क है कि आपने सतह को थोड़ा सा बांट दिया क्लियर <clears throat> आइए बत्तीस पर पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस किसमें नापते हैं भाई वर्क पावर एनर्जी में एक पावर होता है उसको आप वॉट में नापते हैं ठीक है लेंस की पावर को आप डायोप्टर में नापते हैं में आप करंट को नापते हैं में आप पावर को नापते हैं वोल्ट में आप पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं विद्युत विभांतर को नापते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि बताइए कौन पैरल बीम ऑफ लाइट करेगा अगर आप किसी पॉइंट सोर्स से मतलब दूर में किसी छोटे से सोर्स से अगर आप लाइट फेंकते हैं तो पैरल बीम ऑफ लाइट कौन करेगा मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद पैरल कौन करेगा पैरल कौन करेगा भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक जैसे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही आपके एक जैसे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर दूर से कोई चीज आ रही है तो उसको ए, एक इकट्ठे करने का काम दोनों का है दोनों ही कन्वर्जिंग है फर्क है कि हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं ठीक है ये जवाब होगा इसका चलिए अब सुनिए कौन सी बात सही है कौन सी बात सही है हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है आपको हम बता दिए थे अभी थोड़ी देर पहले फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन ठीक है फोकल लेंथ और पावर का बता दिए थे थोड़ी देर पहले ही कि कभी भी कॉनकेव लिखा रहता है तो पावर नेगेटिव कॉन्वेक्स लिखा रहता है तो पावर पॉजिटिव बी ऑप्शन तो देख के ही गलत लग रहा है क्योंकि अगर उत्तल है तो उत्तल की पावर पॉजिटिव है यहां नेगेटिव लिख दिया गलत सी भी गलत है क्योंकि अवतल है अवतल की पावर नेगेटिव होती है यहां नेगेटिव नहीं लिखा ये भी गलत बचा ए और डी इनमें हमको देखना है इनमें हमको देखना है अब एक बात बताओ कॉनकेव लेंस ये वाला था हम इसमें लेफ्ट वाला फोकस इस्तेमाल कर रहे थे तो इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव था पावर भी नेगेटिव था क्योंकि कोई भी चीज केंद्र से बाएं साइड होती है नेगेटिव होती है पावर तो नेगेटिव लिख दिया लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव दे दिया समझे फोकल दूरी पॉजिटिव दे दी इसीलिए ये गलत हो गया <coughs> कॉन्वेक्स के केस में आप ये वाला फोकल लेंथ इस्तेमाल करते हैं दाहिने साइड वाला कोई चीज दाहिने होती है तो पॉजिटिव होती है तो दोनों पॉजिटिव है ये बात सही है क्लियर आइए डिसपोर्शन विक्षेपण का मतलब क्या है मतलब कि जो प्रकाश से आने वाली व्हाइट लाइट है उसका सात रंगों में विभाजित हो जाना यहां पे भी क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन ही हो रहा है क्योंकि प्रकाश का माध्यम बदला पहले प्रकाश एयर में था यानी कि हवा में था इसके बाद ये ग्लास में आ गया यानी कि कांच में आ गया फिर कांच से फिर हवा में आया मतलब दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ लाइट की स्पीड बदली और लाइट सात रंगों में विभाजित हो गई ठीक ये क्या है वर्ण विक्षेपण है या डिस्पर्शन है अब आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन की बात करते हैं तो हमको पता है लाइट सात रंगों में विभाजित होता है जिसमें कि आप जब इस दिशा में जाते हैं तो वेवलेंथ यानी तरंग धैर्य बढ़ती चली जाती है तभी हम कहते हैं कि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है ठीक है और वायलेट की तरंग धैर्य सबसे कम है भाई डेंजर रेड लाइट से लिखा होता है रेड कलर से लिखा होता है क्यों क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो जल्दी से बिखरता नहीं है फॉग हो धुआं हो कोहरा हो कैसा भी हो लाल आपको दूर से दिख जाता है क्यों क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो बिख बिखराएगा भी नहीं आसमान का कलर नीला क्यों होता है क्योंकि नीला का वेवलेंथ कम है जो नीला है उसका तरंग धैर्य कम है जिसका तरंग धैर्य कम होता है वो आसानी से बिखेर जाता है तब आप कहिएगा मैम फिर तो वायलेट और इंडिगो का वेवलेंथ और कम है आसमान तो वायलेट और इंडिगो होना चाहिए आसमान ब्लू का है, है। क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होनी चाहिए बिखराव ज्यादा होना चाहिए वेवलेंथ और कम है भाई आपकी आंखों में कौन नहीं है कौन सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो आपको कलर पहचानने में मदद करती है आपकी आंखों में वैसी कौन सेल्स नहीं है जो आप वायलट और इंडिगो को पहचान पाए उतने दूरी से इसीलिए आपको आसमान नीला दिखता है समुद्र नीला दिखता है क्यों क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर ज्यादा होता है बिखराव होता है और रंग नजर आता है ठीक है और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर स्कैटरिंग पर सही विकल्प बताइए लाल की वेवलेंथ वायलेट से कम है वही ये देखो ना लिख लो ना विबग्योर इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है लाल की वेवलेंथ कम है गलत बात लाल की वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा है सही बात वायलेट की ग्रीन से ज्यादा है नहीं भाई ग्रीन की ज्यादा होगी ग्रीन की भी ज्यादा होगी वायलेट की ज्यादा है येलो से नहीं हाँ बिल्कुल ओशन का भी कलर उसी के वजह से होता है चलिए अगला सवाल एनसीईआरटी का सवाल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है घबराना नहीं आपसे क्या कह रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी प्रकाश की किरण जा रही है आपको डायग्राम में दिखा दिया गया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है क्या बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है अपवर्तनांक बताना है मीडियम <clears> बी <throat> का ए की तुलना में अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखेंगे ध्यान से देखना ठीक है भाई ये देखिए ये माध्यम ये जा रहा है माध्यम ऐसे माध्यम बी में जा रहा है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा आपतन कोण जो है ये रहा आपका आपतन कोण ठीक है ये रहा आपतन कोण व्हाइट लाइट जो होती है रमेश वो सात रंगों का मिक्सचर है व्हाइट लाइट सात रंगों का मिक्सचर है ठीक है ये रहा आपका आपतन कोण ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये किरण गई माध्यम बदला ये किरण रही यानी ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब आपको क्या लग रहा है एंगल कम हुआ कि नहीं पहले ये एंगल कोण ज्यादा लग रहा था अब ये कोण कम हो गया इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश की किरण झुक गई टूवर्ड्स नॉर्मल ये एंगल कम दिख रहा है हमको एंगल कम कब हुआ जब प्रकाश की किरण नॉर्मल के तरफ अभिलंब के तरफ झुक गई और ऐसा कब होता था जब हम प्रकाश की किरण को रेयर से डेंस मीडियम में भेजते थे सघन से विरल माध्यम में भेजते थे तो क्या होता था प्रकाश की किरण नॉर्मल के तरफ झुक जाती थी है कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आपको लिखना है क्वेश्चन में बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी का बताना है ए की तुलना में भाई जो माध्यम डेंस है यानी सघन है जाहिर सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अपवर्तनांक ज्यादा है और इसका अपवर्तनांक कम है बी का अपवर्तनांक ज्यादा ए का कम नीलम ऊपर ज्यादा नीचे कम तो जाहिर सी बात है ये चीज एक से बड़ी होगी ये चीज क्या होगी एक से बड़ी होगी ठीक डॉक्टर जो एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो किस पर बेस होता है भाई एंडोस्कोप एक टेस्ट होता है जिससे आपके पेट इसोफेगस खाद्य नली इन सब का परीक्षण किया जाता है तो जिन लोगों को पेट वेट की समस्या होती है डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं और ये बेस्ड किस पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड का चमकना ऑप्टिकल फाइबर मिराज ये सब सब बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरा बात सुनो ध्यान से। आप यहां पर देख रहे हैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है कभी भी प्रकाश की किरण रेयर से डेंस में जाती है तो क्या होता है <coughs> सॉरी डेंस से रेर में जाती है तो क्या होता है आप कहते हैं मैम ये नॉर्मल से दूर चली जाती है चली गई नॉर्मल से दूर मेरा मन नहीं भरा हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए आपतन कोण और बढ़ाए तो ये और दूर चला जाएगा मेरा मन फिर भी नहीं बढ़ा बन, नहीं हुआ मेरा मन हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण इतना बना दिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तो जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है यानी क्रांतिक कोण कहलाता है क्रांतिक कोण कोई अलग चीज है नहीं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए ठीक है अब मेरा मन फिर नहीं बढ़ा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपतन क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिए और बढ़ा दिए खींच के कि नहीं भाई और बढ़ो और बढ़ो अब क्या होगा भाई अब प्रकाश किरण नीचे आ जाएगी नब्बे तक तो पहले ही आ गई थी अब जो रिफ्रैक्शन है वो नीचे होगा और लाइट की रे जिस माध्यम में जा रही है उसी में वापस आ गई तो इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते थे इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते थे तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस आ गया डायमंड का चमकना एंडोस्कोप ऑप्टिकल फाइबर सब का सब रेनबो फॉर्मेशन मिराज फॉर्मेशन आप जब मरुस्थल में चलते हैं या रोड पर चलते हैं तो लगता है दूर में पानी है ये सब सब इसी के वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था सोप फिल्म के बारे कई बार देखिये हो साबुन का ये जो परत बन जाती है ये आपको बड़ी रंगीन दिखाई पड़ती है है ना ये आपको कैसी दिखाई पड़ती है एक मिनट ये आपको बड़ी रंगीन दिखाई पड़ती है कारण क्या है इसका इसका कारण होता है इंटरफेरेंस अब मेरा बात ध्यान से सुनो हमको पता है भाई कि लाइट एक वेव भी है तरंग भी है और तरंग को हम ऐसे बनाते हैं तो जब दो तरंग साथ आती हैं हो सकता है कि इस तरीके से साथ आए कि एक का श्रृंग और दूसरे का श्रृंग टकराए एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट टकराए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव होना मतलब दोनों एक ही है ये भी श्रिंग है, का मतलब ही है किसी का टांग अड़ाना आम भाषा में कहते हैं ना इंटरफेयर मत करो तो कई बार इंटरफेरेंस पॉजिटिव हो जाता है मतलब जब आपकी क्रेस्ट और क्रेस्ट श्रिंग और श्रृंग एक साथ आए और अगर ऐसा हो कि एक का श्रिंग और दूसरे का गर्त साथ में आए एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ साथ में आए उसको हम कहते हैं नेगेटिव ठीक है तो साबुन में जो आपको रंगीन दिखते हैं ये इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से दिखते हैं जिसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर चालीस पर चलते हैं फार विजन किसको कहते हैं दूरदृष्टि हम लोग बायोलॉजी में ही इसकी बात कर लिए थे दूरदृष्टि का मतलब क्या है कि दूर की दृष्टि साफ है दूर की दृष्टि साफ है पास देखने में दिक्कत है घर में मम्मी पापा दूर देखते हैं इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं ठीक है आई बात समझ में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं जहां पर इमेज क्या हो रहा था जहां पर इमेज जो था वो रेटिना के बाद में बन रहा था आप इसको ठीक कैसे करते थे इसका ट्रीटमेंट क्या था इसका ट्रीटमेंट था उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरणों को पास लेकर आती थी पोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस अब इसमें बड़े लोग गलती करते हैं नॉर्मल आई आपकी ये रही ये रहा आपकी आंखों का लेंस और ये रहा रेटिना यानी दृष्टि पटल फोकल आंख की फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि आपके लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये आपकी आंख की फोकल लेंथ है आपकी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी और ये दो सेंटीमीटर होती है बहुत लोग इसका जवाब पच्चीस सेंटीमीटर दे देंगे पच्चीस सेंटीमीटर जवाब नहीं है पच्चीस सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट कहलाता है मतलब अगर आप किसी चीज को ऐसे देखिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा 25 सेंटीमीटर वो न्यूनतम दूरी है जिस पर आप किसी चीज को रखते हैं कि आप क्लियरली देख पाइए 25 सेंटीमीटर को हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं आपसे फोकल लेंथ पूछा था हमने कहा था ना अधिकतर लोग का यही जवाब आएगा आपसे आंखों का फोकल लेंथ पूछा है ठीक है नियर पॉइंट न्यूनतम दूरी है जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कि वो आपको स्पष्ट दिखे ये देखिए लेंस और इसके बीच की दूरी दो सेंटीमीटर कहलाती है ठीक ये दो होगा रेनबो बनने में क्या है वो आईबॉल का डायमीटर होता है टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर आपसे क्या पूछ रहा है रेनबो बनने में क्या क्या शामिल है जरा ये समझ लो रेनबो बनना रेनबो बनने के लिए आपको पानी चाहिए यानी पानी की एक बूंद चाहिए और आगे क्या है आगे हवा है यानी कि एयर है सनलाइट से व्हाइट लाइट आती है ठीक है आपको नहीं लगता कि यहां माध्यम बदल रहा है प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है वाटर से एयर uh, से वाटर में जा रही है तो यहां पर होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन क्योंकि माध्यम बदला रिफ्रैक्शन होता है माध्यम बदला ये पानी की बूंद एक प्रिज्म की तरह काम भी कर रही है यानी यह प्रकाश को सात रंगों में विभाजित कर देगी ठीक है यानी यहां पर डिस्पर्जन भी हो रहा है क्योंकि यहां पर लाइट की रे सात रंगों में विभाजित है और ये इस तरीके से टकराती हैं कि इसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। हम्म मतलब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है फिर से यहां पे पानी और हवा यानी फिर से माध्यम बदल रहा है यानी फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मतलब दो बार रिफ्रैक्शन है क्योंकि दो बार माध्यम बदला हवा से पानी पानी से हवा कभी भी माध्यम बदलेगा रिफ्रैक्शन होगा ही होगा दो बार रिफ्रैक्शन एक डिस्पर्जन डिस्पर्जन का मतलब है सात रंगों में विभाजित होना और एक यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मोनो स्कैटरिंग नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी एक रंग का बिखर जाना यहां पर सात रंगों में विभाजित है इसको डिस्पर्जन कहते हैं विक्षेपण कहते हैं समझे मेरी बात ठीक है तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसमान आपको ब्लू क्यों दिखता है पहले ही बता चुके हैं विब गियोर कारण क्या है ब्लू दिखने का ब्लू की वेवलेंथ कम होती है जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर ज्यादा हो जाएगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर ज्यादा हो जाएगा और इसीलिए हमको आसमान नीला दिखता है डेंजर सिग्नल लाल में काहे होते हैं फिर से लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम उसका बिखेरना कम होता है ठीक है तो कोहरे या धुएं से सबसे कम बिखराता है इसीलिए उसको हम लाल में पेंट करते हैं हम्म अब ये क्वेश्चन अच्छा है आपसे कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में आपको सूरज लाल क्यों दिखता है मेरा बात सुनना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में आपको सूरज लाल क्यों दिखता है और दोपहर के टाइम में आपको सूरज सफेद या पीले के रंग का नजर आता है कारण क्या है सुनो मेरा बात जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है सन होराइजन के पास होता है होराइजन को हिंदी में क्षितिज कहते हैं जहां पर एक तरीके से आसमान और समुद्र मिलते हैं क्षितिज के ऊपर सूर्य आता है तो सूर्योदय नीचे जाता है तो सूर्यास्त तो या होराइजन यानी क्षितिज के क्या होता है पास होता है आप यहां पर खड़े हैं तो इसको ज्यादा दूरी तय करनी होती है यहाँ पर इसको क्या तय करनी होती है ज्यादा दूरी तय करनी होती है अब ज्यादा दूरी में होता क्या है कि बाकी जितने भी लाइट हैं वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन इन सब का वेवलेंथ कम होता है इन सब का वेवलेंथ क्या होता है इन सब का वेवलेंथ कम होता है ये स्कैटर हो जाती है ठीक है आपकी आंखों तक सिर्फ लाल रोशनी पहुंचती है जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ठीक है क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई है ना तो आपकी आंखों में वही रोशनी पहुंचेगी जिसका वेवलेंथ ज्यादा है बाकी सब स्कैटर हो रहा है लाल आपकी आंखों में पहुंच रहा है क्योंकि लाल का वेवलेंथ ज्यादा है दोपहर के समय क्या होता है ये दूरी कम है ये दूरी क्या है कम है इसीलिए आपको सब एक जैसे दिखते हैं ठीक है तो कारण क्या है इसका कारण है इसका स्कैटरिंग कारण क्या है इसका स्कैटरिंग और लाल ही क्यों दिखा ध्यान रखना बाकी भी होते हैं लेकिन बाकी की वेवलेंथ कम है तो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचते क्योंकि सूर्य को बहुत दूरी तय करनी होती है जो उससे किरण निकल रही हम्म क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पर चलते हैं भाई देखिए आप पास की चीज भी देख पाते हैं दूर की चीज भी देख पाते हैं है ना आपको पास में पढ़ना है हम कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं हम अपनी खिड़की के बाहर बिल्डिंग भी देख सकते हैं क्यों देख सकते हैं इस क्षमता को क्या कहते हैं इस क्षमता को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं आपको पता है जब आपको दूर की चीज देखनी होती है ना तो आपकी आंख की लेंस जो है वो अपने आप को पतला कर लेती है ठीक है जिसके वजह से आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है जब आपको पास देखना होता है तो आपकी लेंस खुद को ऐसे मोटा कर लेती है लेंस को मोटा या पतला करने के लिए सीलियरी मसल जिम्मेदार है और ऐसा करके आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है इसी शक्ति को अकोमोडेशन कहते हैं उम्र के साथ ये शक्ति कमजोर होती चली जाती है और आपको प्रेस बायोपिया हो जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहने का मतलब है कि वो न्यूनतम दूरी जहां पर आपको चीजें स्पष्ट दिखती हैं 25 सेंटीमीटर इसी को हम नियर पॉइंट कहते हैं मतलब कम से कम आप आंखों से किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा तो ही आपको स्पष्ट दिखेगा फार पॉइंट की बात अगर आप करते हैं फार पॉइंट का मतलब होता है वो अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी जिस पर आपको कोई चीज क्लियर यानी कि स्पष्ट नजर आती है और फार पॉइंट नॉर्मल आंखों के लिए अनंत होता है यानी इंफिनिटी होता है हम अभी आपसे पूछे कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं आप मैम कुछ किलोमीटर या मीटर में तो नहीं कह सकते है ना तो फार पॉइंट ये नॉर्मल आंखों के बारे है नॉर्मल आंखों के लिए नियर पॉइंट पच्चीस सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इंफिनिटी है यानी कि अनंत है अच्छा क्वेश्चन है सुनना ध्यान से एक व्यक्ति है जिसको दो मीटर से परे नहीं दिखता दो मीटर से परे नहीं दिखता इसका मतलब क्या है कौन सी बीमारी होगी इसको नॉर्मल इंसान अनंत दूरी देख सकता है इंसान दो मीटर से दूर नहीं देख सकता मतलब इसको दूर के विज़न में दिक्कत है पास की चीज दिख रही है दूर की चीज नहीं दिख रही मतलब इसको मायोपिया है हम आपको कहे थे बायोलॉजी और फिजिक्स का ओवरलैपिंग टॉपिक है इसको क्या है इसको मायोपिया है मायोपिया आप कैसे करते थे मायोपिया वो स्थिति थी जब आपका इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता था आप इसको दूर लेकर जाना चाह रहे हैं दूर लेकर जाना चाह रहे हैं इसको तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ और पावर नेगेटिव होती है ये दो मीटर फोकल लंबाई हो गई पावर किसके बराबर होगी वन अपॉन एफ यानी एक बटा दो यानी जीरो पॉइंट फाइव ठीक है लेकिन साथ में क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे कि नहीं क्योंकि आपको हम बता चुके थे कभी भी कॉनकेव लेंस आप लिखते हैं अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस के लिए पावर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए नीलम रिवाइज करना डियर लेक्चर लेक्चर रिवाइज करना कॉन्वेक्स लेंस पास लेके आता है आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पर आखिरी बेंच पर बैठा एक छात्र है जिसको ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर तो पढ़ सकता है लेकिन कॉपी में लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता सुन रहे हो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेचारे को कॉपी नहीं दिख रही है। मतलब दूर दिख रहा है पास नहीं दिख रहा इसका मतलब है इसको दूरदृष्टि दोष है मतलब इसको हाइपर मेट्रोपिया है हाइपर मेट्रोपिया है इसको इसको क्या है इसको हाइपरमेट्रोपिया है यानी कि दूर दृष्टि दोष है अब मेरा बात ध्यान से सुनना हम जो तुमको बोल रहे हैं ठीक है ध्यान से सुनना। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर साफ दिख रहा है साफ लिखा ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है मतलब दूर का दृष्टि इसका साफ है अगर इसका दूर का दृष्टि साफ है तो जाहिर सी बात है कि फार पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूर का दृष्टि इसका साफ है मतलब फार पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है जो दिक्कत हो रही है नियर पॉइंट की दिक्कत हो रही है है ना पास देखने में इसको दिक्कत है मतलब नियर पॉइंट की दिक्कत है अब नियर पॉइंट की क्या दिक्कत है नियर पॉइंट की दिक्कत यह है कि इसकी नियर पॉइंट दूर चली गई है इसकी नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर थी इसको नहीं दिखाई दे रहा है तभी इसको पास की दृष्टि में दिक्कत हो रहा है इसको 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं दिखाई दे रहा है मतलब इसकी नियर पॉइंट और दूर चली गई है शायद तभी इसको अपनी कॉपी नजर नहीं आ रही समझे कैसे क्वेश्चन को करोगे लाइट <coughs> का आखिरी क्वेश्चन आंखों की फोकल लंबाई कब बढ़ती है अभी जस्ट बताए हैं आपको आंखों की फोकल लंबाई तब बढ़ती है जब आपका लेंस पतला हो जाता है और आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और आप दूर की चीज देख पाते हैं Hmm? डेढ़ घंटा में हम लोग एक घंटा पैंतीस मिनट में हम लोग लाइट खत्म किए ठीक आया मजा लाइट हुआ क्लियर लाइट हुआ क्लियर हम्म hmm? एक बार दोबारा देखोगे तो समझ में आएगा अब क्या शुरू करेंगे अब हम लोग शुरू करेंगे फोर्स और वर्क पावर एनर्जी ठीक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी फोर्स बोले तो बल ठीक है फोर्स वो चीज है जो सब कुछ कर सकता है अगर हम एक फुटबॉल को मारते हैं पैर से तो वो क्या कर सकता है लाइट की दिशा लाइट कह रहे हैं बॉल की दिशा बदल सकता है अगर हम अपने पैर से फुटबॉल को मारेंगे तो फुटबॉल क्या करेगा फुटबॉल क्या करेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है उसको मोशन में ला सकता है एक आता हुआ फुटबॉल मेरे पास आ रहा है हम पैर से फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं मतलब फोर्स वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दे रेस्ट में ला दे उसकी दिशा बदल दे उसका शेप बदल दे वो है फोर्स फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग इसका एम इंटू एम का मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान ए का मतलब होता है एक्सलरेशन यानी कि वर्ण ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर की ऐसा यूनिट के होती है एक्सलरेशन की त्वरण होती है यानी इसकी एस यूनिट होगी के मीटर पर सेकेंड आप न्यूटन के नाम से जानते हैं इसी को आप न्यूटन के नाम से जानते हैं ठीक है फोर्स के साथ आपको तीन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं पहला लॉ जो क्या कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम इनर्शिया का मतलब पता है क्या है हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे हम आलसी हैं तो आलसी ही रहेंगे काम करेंगे तो इतना काम करेंगे कि तो हम काम कर करके अला देंगे सबको लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि हम अपना स्टेट नहीं बदलेंगे अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे मोशन पे हैं तो मोशन पे ही रहेंगे जब तक कि हम पर कोई बाहरी बल काम ना करे ठीक है हमको नहीं पढ़ना है हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमको आकृति मैम हम साइंस नहीं पढ़ाएंगे ठीक है तो जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगे अंदर का जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो नहीं बदलता यही गुण जड़त्व कहलाता है आपने देखा होगा अधिकतर कई बार जब आप तो ट्रेन में बैठे रहते हैं और ट्रेन खुल जाता है तो उस वक्त क्या होता है हम लोग ऐसे पीछे हो जाते हैं क्यों क्योंकि हमारा बॉडी इनर्शिया में आ गया है ट्रेन चल पड़ा तो ट्रेन आगे बढ़ा लेकिन तुम्हारा बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही था तुम्हारा बॉडी था अब हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे लेकिन ट्रेन आगे चल दिया तो तुम पीछे की ओर हो गए तुम बस में चलते हो बस वाला ब्रेक लगाता है आगे की ओर चले जाते हो है ना झुक जाते हो आगे की ओर गिरने लगते हो क्यों क्योंकि तुम मोशन में हो तुम मोशन में हो बस ने ब्रेक लगा दिया मतलब बस तो रेस्ट में आ गया लेकिन तुम तो मोशन में हो क्योंकि तुम्हारे पास इनर्शिया है जड़त्व है इसलिए तुम आगे की ओर गिर जाते हो गाड़ी टर्न लेती है अचानक से राइट साइड ड्राइवर टर्न करेगा तुम लेफ्ट साइड हो जाओगे इनर्शिया ऑफ डिरेक्शन तो इनर्शिया का मतलब है हम नहीं बदलेंगे अगर हमको बदलना चाहते हो तो हम पर कोई बाहर से फोर्स लगाओ हमसे हम पर कोई बाहर से फोर्स लगाओ और वो फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए वो फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरा क्या आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो क्या कहता है मोमेंटम बदलने की दर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग बदलने की दर बल के समानुपाती है संवेग क्या होता है मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम जिस वेग में बदलेगा जिस रेट में बदलेगा उसी रेट में फोर्स होगा अभी आप पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन कि कैसे जब बॉलर बॉल कैच करता है पूछा था तुम्हारे बीपीएससी में ऐसे नहीं लेकर ऐसे करता है ठीक है क्यों ऐसे करता है पढ़ेंगे इसके बारे में ठीक है तीसरा क्या कहता है तीसरा नियम कर भला तो हो भला हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है बंदूक चलाना बच्चे का खेल नहीं है क्योंकि जब तुम बंदूक चला रहे होते हो गोली तो निकलती है बाहर लेकिन गोली बंदूक पर एक विपरीत बल लगाती है जिससे बंदूक पीछे होता है और तुम गिर सकते हो ठीक है तो हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है एक्शन रिएक्शन ये न्यूटन का तीसरा लॉ है और ये हमेशा दोनों अलग अलग बॉडीज पर चलती है अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और चीजें क्लियर करेंगे यहां पर फिजिक्स में आपको मैं कुछ चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनवाना चाहूंगी कारण क्या है कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड पर सवाल पूछता है कई बार आपसे पूछता है कि ये सदिश राशि है अदिश राशि है वर्क पावर एनर्जी का हम लोग एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लेते हैं और फोर्स का ठीक है इससे इजी होगा वर्क किसको कहते हैं फिजिक्स में क्या हम और आप वर्क कर रहे हैं अभी भाई मेरा बहुत बल लगता है तुमको पढ़ाने में तुमको भी लगता होगा लेकिन हमको बहुत बल लग रहा था लगता है सौ क्वेश्चन कराने में क्योंकि लगता है जान झोंक दे तुम लोग के लिए ऐसा लगता है ना भाई देखो सबका अपना अपना नेचर है लगता है कि दो घंटे में है या ढाई घंटे में जितना तुमको कराना है सौ क्वेश्चन की एक भी स्टूडेंट मेरा नहीं हो जिसको नहीं समझ में आए तो हम मेरे हिसाब से बहुत वर्क कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स कहेगा कि मैम आपने तो कुछ वर्क ही नहीं किया क्योंकि आप छह बजे भी इसी जगह पे थी नौ बजे भी इसी जगह पर मिल रही है फिजिक्स के हिसाब से वर्क कब किया जाता है जब बल हो और उस बल से किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो यानी विस्थापन हो ठीक है एक्चुअली में ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते थे अब फॉर्मूला आप पढ़िए एफ एस कॉस थीटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा क्या है थीटा है थीटा है दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल ठीक है ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है देखो फोर्स की न्यूटन होती है विस्थापन की मीटर होती है न्यूटन मीटर इसकी ऐसा यूनिट हुई जिसको आप जूल कहते हैं ठीक है ये एक अदिश राशि है यानी कि स्कैलर क्वांटिटी है मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करती दिशा पर निर्भर नहीं करती वर्क पावर एनर्जी ये तीनों के तीनों ये सब के सब ही आप पढ़िएगा स्कैलर क्वांटिटी है राशि है किसी भी चीज की दिशा पर निर्भर नहीं कर रही होती एनर्जी क्या है एनर्जी और वर्क एक जैसा है, अगर आपके पास जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही काम करिएगा का मम्मी लोगों को देखना दिन भर काम कर सकती है है ना बहुत अंतर है मम्मी लोग की पीढ़ी और हमारे पीढ़ी में <laughs> है कि नहीं? तो जितना आपके पास तभी हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं उसी को क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं ठीक है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसी चीज के पास तब होती है जब वो मोशन में होता है और इसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वेर ठीक है एम मतलब मास वी मतलब वेलोसिटी यानी वेग ऐसा यूनिट इसकी भी जूल ही होगी एनर्जी और वर्क साथ साथ चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण है मतलब त्वरण एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरती के लिए नाइन पॉइंट एट लिखते हैं एच मतलब हाइट ऐसा यूनिट जूल पावर का क्या मतलब है पावर का मतलब है कि आप कितना दर पर काम कर सकते हैं जैसे नीलम एक चैप्टर आधे घंटे में करे और नित्या एक घंटे में करे तो नीलम ने वो समय जल्द नीलम ने वो कार्य कम समय में कर लिया हम कहेंगे नीलम की पावर ज्यादा है तो पावर क्या है शक्ति क्या है कार्य करने की दर वर्क अपॉन टाइम ऊपर जूल है नीचे सेकंड है तो जूल पर सेकंड ऐसा यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट क्या होगी तो आपका जवाब होगा पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है वॉट एस आई यूनिट वॉट है और भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी करते हैं बट ऐसा यूनिट वॉट होगी ठीक है एनर्जी तो भाई वर्क के जैसी ही है बता दी आपको फोर्स क्या है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बता दी ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स जो है ये सदिश राशि है यानी ये दिशा पर डिपेंड करती है डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं। उसी दिशा उसी हिसाब से चीजें होती हैं मोमेंटम यानी संवेग को आप पी से दिखाते हैं फिजिक्स में और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी मास की ऐसा यूनिट केजी वेलोसिटी वेग की मीटर पर सेकंड और इसकी ये भी क्या है ये भी सदिश राशि है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ठीक सवाल पर आओ बल्लेबाज गेंद को मार रहा है गेंद थोड़ी देर जाके खुद रुक जाती है क्यों रुक गई गेंद फील्ड में उस गेंद को किसी ने नहीं, नहीं रोका बैट्समैन ने मारा थोड़ी देर के बाद गेंद रुक गई क्यों रुक गई गेंद क्या हुआ ऐसा उसके साथ क्या बैट्समैन ने उसको पर्याप्त से नहीं मारा था या उस पर कोई फोर्स लग रहा था भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था घर्षण बल लग रहा था फ्रिक्शन होता है मोशन का दुश्मन बॉल जमीन पर लोटी बॉल आगे मूव करना चाहिए फोर्स बल ऐसा बल होता है जो मोशन का दुश्मन होता है ठीक है तो घर्षण ने काम किया इसके विपरीत काम किया और इसको रोक दिया तो गेंद पर जो है विरोध करने वाला बल लग रहा है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ठीक अगला सवाल क्वेश्चन देखना ध्यान से आप एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी पर रखना चाह रहे हैं स्थिर वेग पर रखना चाह रहे हैं कितना फोर्स लगाओगे क्वेश्चन मुश्किल है बहुत सिंपल है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से चलने दीजिए मतलब आप इनर्शिया में ही रखिए ऑब्जेक्ट को ठीक है ऑब्जेक्ट तब तक इनर्शिया पर रह सकता है जब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे तो ऑब्जेक्ट को आप इनर्शिया में रखना चाहते हैं मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी उसका आप चाहते हैं कि उसका वेग नहीं बदले तो इसीलिए आप उस पर कोई भी फोर्स मत लगाइए जीरो फोर्स लगाइएगा अगर कोई भी चीज जैसा है वैसे ही चलने देना चाहते हो तो तुम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हो तुम चाहते हो कि भाई मेरा साइंस वीक है वीक ही रहे तो कोई एफर्ट नहीं डालते हो है कि नहीं तो जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं मतलब इनर्शिया में ही चलना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना होगा तभी वो जैसा है वैसा रहेगा वेक्टर की लिस्ट आप मांग रहे हैं हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे डियर जैसे आज इन चैप्टर का है तो मैं आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनवा दे रही हूँ ना लाइट में फॉर्मूलाज नहीं होते लाइट में कॉन्सेप्ट होता है समझ गए मेरी बात तो जैसे ये होगा हम उसी के हिसाब से फॉर्मूला है जैसे मोशन जिसमें है तो मोशन का सारा बनवा देंगे इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म होगा तो मैग्नेटिज्म का चिंता मत करो मैं शीट सबका बनवा दूंगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब ये क्वेश्चन में बहुत लोग गड़बड़ी करेंगे देखो फोर्स का ये जो कामुला है ना ये हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है ये जो फॉर्मूला है ये हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है तुमसे कह रहा है कि इस फॉर्मूला के हिसाब से बताइए एक्सेलरेशन त्वरण किस पर निर्भर करता है भाई इस फॉर्मूला से हमको पता है एक्सेलरेशन का मतलब है एफ बटे एम मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के समानुपाती है फोर्स के अगर फोर्स बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा अगर फोर्स बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा।, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा सही बात है पर ये भी तो देखिए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ मास के है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इलेवन ट्वेल्थ का कुछ पार्ट आता है नित्या जो आपको पढ़ लेना चाहिए यूनिट डायमेंशन भी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का है फ्लूड्स इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का है ठीक है लाइट में मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ाई वो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की है तो आप क्लास करिए अभी के लिए फिलहाल वो काफी होगा ठीक है देखो एक्सलेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समानुपाती है लेकिन इनवर्स ऑफ मास के भी तो प्रोपोर्शनल है समझे इनवर्स ऑफ मास के भी प्रोपोर्शनल है तो ये भी सही है ये भी सही है अगर सिर्फ लिखता द्रव्यमान तो आप कहते गलत लेकिन लिख दिया ना इनवर्स ऑफ मास इनवर्स ऑफ मास ये सही है आप सभी को पता होगा बीपीएससी टीआर का भी एग्जाम होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है ना Uh, उसमें जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में वो uh, एग्जाम वो देते हैं ठीक है ये उसका सवाल है हुं? मैं आपको क्यों ये वाले कुछ सवाल करवा रही हूँ क्योंकि तो उसमें साइंस के कुछ बहुत अच्छे सवाल आते हैं और कई बार बीपीएससी के क्वेश्चंस वहां कॉपी पेस्ट होते हैं तो आयोग ऐसा कर सकता है कि एक दो जो उनके अच्छे सवाल हैं आप में भी पूछे जा सकते हैं समझे वहां पर भी बहुत स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था और आयोग ने इसका आंसर दिया था एक से ज्यादा क्योंकि बच्चों को समझने में परेशानी हुई थी इसी वजह से हम ये वाला क्वेश्चन यहां पर डाल दिए थे आपको ठीक है तो आप में से जो भी लोग थोड़े एक्स्ट्रा टाइम रखते हैं या अच्छा करना चाहते हैं साइंस में आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कुछ बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है यह सवाल उनमें से एक है ठीक है आपसे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे रास्ते पर चल रहा है त्वरण के साथ बताइए कौन सी बात सही नहीं है भाई त्वरण का मतलब ही क्या होता है का मतलब ही क्या होता है रेट ऑफ ऑफ चेंज वेलोसिटी वेग बदलने की दर ठीक है तो अगर कोई त्वरण में है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बदलेगी और अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सलरेटेड मोशन है यानी त्वरण के साथ कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स भी काम करेगा लेकिन क्या वो जरूरी है कि वो पृथ्वी से दूर ही जाए क्या वो जरूरी है कि वो पृथ्वी से दूर ही जाए नहीं भाई सीधा भी तो चल सकता है ऐसे भी तो त्वरण हो सकता है जरूरी थोड़ी कि पृथ्वी से दूर जाएगा तभी त्वरण होगा ये बात गलत हो गई है और आपको गलत चुनना था जवाब आपने दिया आंसर सी अच्छा आप में से बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी चलिए बहुत अच्छी बात है तब तो हम न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे लगती है वही देखिए बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है ये रही अपनी गोली बंदूक और ये रही गोली जब आप बंदूक चलाएंगे तो ये बुलेट पर एक्शन लगेगा मतलब ये आगे की ओर जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो ये अगर क्रिया है तो गन पर क्या लगेगी प्रतिक्रिया लगेगी और ये विपरीत दिशा में जाएगा तभी आपने एक मेम देखा होगा कि लड़की बंदूक चलाती है तो खुद ही गिर जाती है क्यों क्योंकि क्रिया इस पर लगी प्रतिक्रिया बंदूक पर लगी और विपरीत दिशा में लगी तो ये हमेशा अलग अलग निकायों पर काम करेगा और विपरीत दिशा में काम करेगा हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है आप किसी का भला करिएगा आपके साथ भला होगा बुरा करिएगा आपके साथ बुरा होगा चले आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर छप्पन पर इनर्शिया क्या करती है भाई इनर्शिया का मतलब है जड़त्व का मतलब है हम नहीं बदलेंगे हम रेस्ट में हैं रेस्ट में ही रहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे जब तक कि हम पर बाहरी बल काम ना करे तो इनर्शिया का मतलब है कि अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देंगे इनर्शिया का मतलब है रेजिस्ट करना किसी भी चीज को हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ठीक है <coughs> रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है भाई देखिए ये रहा रॉकेट ठीक है ये रहा रॉकेट रॉकेट में गैसेस होती हैं ठीक है थीके? और उन गैसेस का कंबस्टन होता है यानी कि दहन होता है जिसके वजह से वो धरती पर कुछ बल लगाती हैं और धरती वापस से इस पर बल लगाती है तो एक तरीके से थर्ड लॉ भी है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है संवेग के संरक्षण का नियम भी है और न्यूटन का थर्ड लॉ भी है ठीक है न्यूटन का थर्ड लॉ भी है दोनों है यहां पर ठीक <coughs> है अब आपको हम एक सवाल दिखाते हैं पहले रुक जाओ पहले तुमको सवाल दिखाएं फिर तुमको हम बताएंगे कि हम तुमको ये सारा कुछ क्यों पढ़ा रहे हैं एक मिनट रुक जाना एक मिनट रुक जाओ तुमको एक मजेदार सवाल दिखाते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का 67th BP, BPSC में यह सवाल आया था देखे ये सवाल कहाँ आया था तुम्हारे सेवेंथ बीपीएसई में जहाँ पे तुमसे पूछा था कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो भूमदीय रेखा यानी इक्वेटर पर क्या होगा इसका मतलब है कि हमको देखना होगा कि जी किस किस तरीके से कैसे कैसे बदल सकता है तो उसके लिए आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ना होगा ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स है बल है

और अगर दूरी बढ़ाइएगा दोनों के बीच में दूरी बढ़ाइएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और दूरी के वर्गे मतलब दूरी दो गुना बढ़ाइएगा तो फोर्स चार गुना कम हो जाएगा ठीक है ये जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मतलब इस जी का मान कहीं नहीं बदलता ये पूरे ब्रह्मांड में कॉन्स्टेंट होता है फोर्स हमेशा वेक्टर होगा फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होगी ठीक है फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होगी और ये जो कैपिटल जी है ना ये कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगा नहीं बदलेगा गुरुत्वीय त्वरण को हम छोटे जी से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला है जी एम बटे आर स्क्वेर धरती के केस में हम धरती का मास लेंगे धरती का त्रिज्या लेंगे रेडियस लेंगे मतलब ये डिपेंड करेगा प्लानट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे मून के लिए अलग किसी और ग्रह के लिए अलग धरती के लिए इसका मान 9.8 आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये भी सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है अब आपको ये देखना है कि ये जी कैसे कैसे बदल जाता है ये जी कैसे कैसे बदल जाता है मान लीजिए आप अपने घर के छत पे चले गए ठीक है धरती के सतह पर कितना है कहिएगा मैम धरती के सतह पे नौ दशमलव आठ है मान लीजिए आप अपने घर के छत पे चले गए तो जी का मान क्या होगा कम हो जाएगा और आप इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूला पे ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना हम आपको ये इसलिए बता दे रहे क्योंकि सिक्सटी बीपीएससी पे इस पे सवाल पूछ दिया गया था इतना समझ लेना कि आप अगर ऊपर जाइएगा तो जी का मान बहुत ना के बराबर चेंज होता है ठीक है क्योंकि भाई रेडियस ऑफ दी अर्थ होता है 6400 सौ किलोमीटर हाइट आप कितनी ही ऊंचाई पे पे चले जाइएगा कुछ मीटर पे। तो कहने का मतलब है जी का मान बहुत नहीं बदलता बस आपको यह पता होना चाहिए कि यह फॉर्मूला कैसे लगता है ठीक। इसके बाद आता है गहराई से समझ जाइए कि आप धरती पर हैं धरती पर जी का मान नौ दशमलव आठ अब धरती के नीचे चले गए ठीक है धरती के नीचे चले गए ये धरती का दूरी आप नीचे चले गए समझ लीजिए इतनी गहराई पर चले गए तो इतनी गहराई पे जी का मान कितना होगा जी इंटू वन माइनस डी बाई आर डी है डेप्थ यानी गहराई इमेजिन करिए अब आप गिरते गिरते धरती के सेंटर पे आ गए धरती के सेंटर पे आ गए तब आप क्या लिखिएगा धरती के सेंटर पे आ गए मतलब डी का मान धरती के आर के बराबर हो जाएगा यहां पे गिर के आ गए तो इस फॉर्मूला में हम क्या लगाएंगे जी इंटू जीरो यानी जीरो तभी कहते हैं कि धरती के केंद्र पर जी का मान कितना हो जाता है शून्य हो जाता है जीरो हो जाता है शेप ऑफ दी अर्थ के साथ भाई सभी को पता है हम इस जगह को इक्वेटर कहते हैं भूमदीय रेखा कहते हैं और ये आपके पोल्स होते हैं यानी ध्रुव होते हैं छोटा जी का फॉर्मूला होता है जी एम बटे आर स्क्वेर यानी छोटा जी और त्रिज्या एक दूसरे से उल्टे रिश्ते में है एक दूसरे से उल्टे रिश्ते में है यहां पर आर का मान ज्यादा है इसीलिए इक्वेटर पर जी का मान कम होता है पोल्स पर पोल्स पर ये दूरी जो है ये जो आर है ये कम है इसीलिए जी का मान क्या है ज्यादा है ठीक है ना <clears throat> ये क्वेश्चन पूछा था आपके सिक्सटी सेवेंथ बीपीएससी में कि धरती की घूर्णन गति से ये कैसे बदल जाता है ठीक है धरती की घूर्णन गति से ये कैसे बदल रहा है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं घूर्णन गति का फॉर्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव अब आप में से बहुत लोग ये चीज देखकर डर जाएंगे सुनना मेरा बात ये फाइव का क्या है ये फाइव वो एंगल है वो कौन है जो आप बनाते हैं इक्वेटर के साथ जैसे मान लीजिए ये आपकी धरती है और ये इक्वेटर है भूमदिया रेखा है यहां पर कोई इंसान खड़ा है ठीक है ओमेगा क्या है ओमेगा है धरती की घूर्णन गति जिस स्पीड में धरती रोटेट कर रही है धरती की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जिस स्पीड में ये घूम रही है अब आप बताइए कि आप आप भी भी इक्वेटर इक्वेटर पे हैं हैं ये एंगल भी आप के साथ लेते हैं। इसका मतलब है कि इस केस में ये एंगल शून्य हो जाएगा ये एंगल शून्य हो जाएगा ठीक है मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये इक्वेटर के साथ साठ डिग्री बना रहा है उस केस में आप साठ लेते आप इक्वेटर पर हैं ये भी इक्वेटर पर है इसका मतलब है कि ये एंगल जीरो हो जाएगा कॉस जीरो किसके बराबर होता है कॉस जीरो किसके बराबर होता है कॉस जीरो वन के बराबर होता है मतलब इक्वेटर के केस में मेरा फॉर्मूला आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर है ना इसका मतलब क्या है कि अगर हम धरती का घूर्णन गति बढ़ाएंगे मतलब ये मान बढ़ जाएगा धरती का घुटन गति बढ़ाएंगे मतलब जी से 9.8 से हमको कुछ माइनस करना होगा यानी जी का मान कम हो जाएगा यही आपसे सवाल में पूछा था बीपीएससी के बीपीएससी के सवाल में एक मिनट रुक जाइएगा बीपीएससी के सवाल में आपसे यही चीज जो थी पूछी गई थी आइएगा जरा यहां पर एक मिनट <coughs> आपसे क्या कह रहा है कि धरती की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो भूमदीय रेखा पर भार कितना होगा भूमदीय रेखा पर भार कितना होगा मेरा बात सुनना ध्यान से फॉर्मूला क्या लगाएंगे अभी आपके सामने हम लिखे जी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर कॉस स्क्वेर फाइव ठीक है अब धरती पर कोई है और धरती के इक्वेटर पर है साफ लिख दिया भूमदीय रेखा यानी फाइव का मान जीरो किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा जी डैश बराबर है जी माइनस ओमेगा की आपने घूर्णन गति बढ़ा दी मतलब इस चीज को बढ़ा दिया ये जो ओमेगा है ना इसको बढ़ा दिया मतलब आप दस में से या नाइन पॉइंट एट में से ज्यादा संख्या माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा देखिए ना माइनस साइन लगा दिए माइनस साइन लगाए मतलब हम 9.8 से किसी चीज को माइनस करेंगे 9.8 से माइनस करिएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना ठीक है अब इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं मेरा बात सुनना क्या कह रहा है यहां पर यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बताइए ध्रुव पर क्या हाल होगा फिर से मेरा वही फार्मूला जी डैश बराबर है जी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर कॉ स्क् जब हम इक्वेटर पर थे जब हम इक्वेटर पर थे तो हम फाइव को जीरो ले रहे थे अब हम ध्रुव पर जा रहे हैं ये रहा मेरा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और ये रही मेरी पोल फाइ का मतलब क्या होता है इक्वेटर और जहां पर ऑब्जेक्ट है उसके बीच का एंगल तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा अब आप कहिएगा मैम ये एंगल तो नब्बे डिग्री हो जाएगा अब तो ये एंगल कितना हो जाएगा अब तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पोल के बारे पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में और कॉस 90 का मान कितना होता है कॉस 90 का मान शून्य होता है ठीक है कॉस 90 का मान शून्य होता है तो इस फॉर्मूले में देख लो कॉस 90 मतलब शून्य किसी भी चीज को आप शून्य से मल्टीप्लाई करिएगा शून्य ही होगा इसीलिए यहां पर ये दोनों संख्या बराबर आएगी मतलब पोल्स पर कोई बदलाव नहीं होगा पोल पर कोई बदलाव ही नहीं होगा समझे पोल पर कोई बदलाव नहीं हो रहा क्यों क्योंकि कॉस 90 का मान शून्य होता है तो अगर क्वेश्चन में पिछले ही क्वेश्चन में अगर आपको पोल लिख देता ना इसी क्वेश्चन में अगर आपको पोल लिख देता तो पोल पर ध्यान रखना पोल पर कोई बदलाव नहीं होगा पोल पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा इक्वेटर पर बदलाव होता है इक्वेटर पर कम हो जाएगा ठीक है बताइए अब सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ये तो आपको बीपीएससी में आया गया सवाल को कर रहे थे चलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहां पर होता है भाई बताए आपको हम आज बड़े खुश हैं भाई सब क्लास से चलिए अच्छी बात है मेहनत सफल हो जाती है आप लोग खुश हो जाते हैं तो <coughs> क्या होगा जवाब बताए आपको थोड़ी देर पहले इक्वेटर पर ये संख्या ज्यादा है तो जी कम है पोल्स पर आर कम है तो जी क्या हो जाएगा जी का मान ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा ये आइए क्वेश्चन पर चले डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यह है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दूरी को दो गुना कर रहे हैं ठीक है दूरी को दो गुना कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और कितना कम हो जाएगा चार गुना कम हो जाएगा भाई क्योंकि देखिए स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है दूरी को आप दो गुना कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा दो गुना बढ़ाइएगा तो फोर्स कम हो जाएगा और फोर्स चार गुना कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी आ गया वर्ग भी आ गया ठीक है इस रिलेशन में जी क्या है आपसे पूछ रहा है दूरी के स्क्वायर से लिखते हैं जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इसका स्थिरांक तय होता है पूरी दुनिया में इसका मान 6.67 पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस ट्वेंटी सेवन ही होता है हर समय आप धरती पर रहते हैं चंद्रमा पर जाते हैं कहीं भी छोटा जी है जिसका मान चेंज होता है छोटा जी है जिसका मान क्या होता है चेंज होता है छोटा जी पोल पे सबसे कम नहीं होता सेम नहीं होता पोल से इक्वेटर में बढ़ता नहीं है बल्कि इक्वेटर में सबसे कम होता है और पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है चलिए, आपसे कह रहा है धरती पर धरती पर किसी ऑब्जेक्ट का मास द्रव्यमान 100 किलो है चंद्रमा पर क्या होगा क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक चीज है वो है मास यानी कि द्रव्यमान ध्यान रखना जैसे कैपिटल जी नहीं बदलता ना वैसे ही मास भी नहीं बदलता मास का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कितना पदार्थ मौजूद है ये दोनों कभी नहीं बदलते चाहे आप धरती पर जाओ चाहे चंद्रमा पर जाओ मास कभी नहीं बदलता तो क्या बदलता है वेट बदलता है वेट एक्चुअल में फोर्स है जो आप धरती पर लगा रहे हैं जब आपका प्लेनेट बदल रहा होता है तो आपका छोटा जी बदल रहा है मतलब वेट बदलता है क्वेश्चन में मास पूछा तो मास या कैपिटल जी कभी भी किसी चीज में कोई बदलाव नहीं होता <coughs> क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन तक कर लिए थे हम लोग हाँ चलिए ओके ठीक है ये आपको हमने बता दिया ये तीनों फॉर्मूले आइए आगे चला जाए ग्रेविटेशन से बहुत सवाल आते हैं चलिए आपसे कह रहा है कि धरती के सेंटर पर पृथ्वी के केंद्र पर किसी का वेट कितना है अब भाई हम लोग ये पढ़े थे कि धरती के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है धरती के सतह पे नहीं धरती के केंद्र पर जी का मान शून्य है और वेट एक्चुअल में वो फोर्स है जो आप धरती पर लगाते हैं मास इंटू जी अगर जी जीरो है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा ये भी शून्य ही हो जाएगा पहले रट्टा मारते थे अब समझ में आया ना चलो अच्छा बात है देखो फिजिक्स आमतौर पे लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है अगर आप लोगों को फिजिक्स हम करा दे तो भाई क्या ही मजे नहीं अगला सवाल एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग इससे सवाल आपको देखने को मिलता है ठीक है अभी दिखाते हैं एक सवाल जो तुम्हारे एग्जाम का सवाल है रुक जाना जरा ये सवाल देखो ए ओ दो हजार बाईस में पूछा था एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग भाई वे देखो ये धरती का सतह है तुम यहां पर खड़े हो तुमने एक बॉल फेंकी ये बॉल यहां आकर गिर गई तुमने और तेज फेंका ये बॉल यहां आकर गिर गई ठीक है और तेज फेंके ये बॉल यहां आकर गिर गई लेकिन वापस से धरती इसको अपने ओर खींच लेगी क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है यहां पर समझे एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग का मतलब है कि इतन ऐसे फेंकना किसी ऑब्जेक्ट को कि वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाए वेग वेलोसिटी का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंकना कि वो इतनी दूर चला जाए जहां पर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं कर रहा हो ठीक है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू छोटा जी इंटू आर ठीक है धरती के लिए इसका मान होता है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड सोच रहे हो कितना ज्यादा है अब इस फॉर्मूले में हम कोई एंगल लिखे हैं क्या नहीं मैम आप सिर्फ छोटा जी लिखी है और रेडियस लिखी है आप इस फॉर्मूले में किसी एंगल का जिक्र नहीं किया है तुमसे यही सवाल पूछा तुमसे फालतू में क्वेश्चन में डरा रहा है एंगल देके कि सैटेलाइट उपग्रह को फेंका जा रहा है 60 डिग्री एंगल पे भाई जब फॉर्मूला में एंगल है ही नहीं तो इसमें एंगल का कोई रोल ही नहीं है इसमें एंगल का कोई रोल ही नहीं है जब फॉर्मूला में एंगल है ही नहीं तो ठीक है यह है एस्केप वेलोसिटी पिछले सवाल पे आइए पिछला सवाल क्या है वो इंफिनिटी होता है ठीक है आपसे क्या कह रहा है कक्षीय वेग और पलायन वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है भाई ये देखिए ये अर्थ है एक्चुअली आपकी फिजिक्स की जो लास्ट क्लास होगी ना उसमें थोड़ा सा आपको हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी बेसिक्स बता देंगे क्योंकि उस दिन थोड़ा सा समय होगा लास्ट डे मैग्नेटिज्म है चैप्टर और आई थिंक मोशन है लास्ट डे का हाँ ठीक है तो लास्ट डे हम थोड़ा सा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता देंगे जो साइंस एंड टेक में आता है ठीक है देखो ये धरती है धरती के बाहर एक फिक्स्ड रास्ता है जिसको आप ऑर्बिट कहते हैं आप कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं उपग्रह भेजते हैं तो ये ऑर्बिट में ही घूमता है आपसे कह रहा है कि किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है किसी कक्षा में घूम रहा है उस समय का वेग और पलायन वेग का क्या अनुपात है ठीक है तो हमेशा फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी और आर ठीक है अंडर रूट जी और आर और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी और आर निकाल लो रेशियो अनुपात निकाल लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भाई जी और आर कट जाएगा क्या हो जाएगा वन इज टू रूट टू वन इज टू रूट टू आंसर क्या आ जाएगा इनमें से कोई भी नहीं इनमें से कोई भी नहीं अब सिंपल क्वेश्चन पीटल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार है ही है पीटल केंद्र मुखी सेंट्री मतलब सेंटल सेंटर पीटल मतलब अंदर की ओर तो पीटल फोर्स जिम्मेदार है कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल गोल गोल घूमता रहे ये पीटल फोर्स अंदर के तरफ लगता है ठीक है सेंटर का मतलब ही अंदर है पीटल का मतलब सेंट्रीपीटल एनसीआरटी आपको बताती है मतलब है सेंटर सीकिंग फोर्स तो कोई ऑब्जेक्ट गोल पथ पर गतिमान रहे मोशन चैप्टर में आपको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति मक्खन की तरह क्लियर करेंगे <coughs> वॉशिंग मशीन ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं भाई रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमारे वो सब बेस्ड होते हैं वाटर फिल्टर डिफ्यूजन विसरण डिफ्यूजन का मतलब है गैस का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर आना डायलिसिस तो किडनी मरीजों का किया जाता है इसका जवाब क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन अब जब कोई चीज बहुत तेज स्पीड में घूमती है इसी सेंट्रीफ्यूगेशन से ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है ब्लड से अगर आप प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यू बी सी इन सबको अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से ही करते हैं ठीक है दूध से मलाई निकालना सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है जो ऐसे मथ के निकालते हैं सत्तरवें सवाल पे आइए एग्जाम का पीवाई क्यू एक बस है सीधे रास्ते पे चल रही है अचानक से दाहिने मुड़ जाती है क्या होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है आप दाहिने ही चल रहे थे तो, गाड़ी मुड़ी मतलब आपका इनर्शिया टूटा तो मतलब आप लेफ्ट के तरफ चले जाएंगे आप क्या होगा बाई और झुक जाएंगे ठीक है इनर्शिया तीन तरह का इनर्शिया होता है इनर्शिया <coughs> कक्षा, आठवीं कक्षा की एनसीआरटी भाई फ्रिक्शन क्या होता है घर्षण क्या होता है मोशन का दुश्मन प्रक्षन फ्रिक्शन तीन प्रकार का होता है सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जैसे देखते हो अगर घर में बड़ा सा सोफा है और तुमको उस सोफे सेट को हिलाना है तो तुमको बहुत बल लगता है उसको हिलाने में क्यों क्योंकि तुम तो फोर्स लगा रहे हो लेकिन जो तुम्हारा जमीन है घर का वो घर्षण बल लगा रहा है विपरीत दिशा में ठीक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो एक बार ये सोफा हिलने लगता है तो तुमको थोड़ा सा कम बल लगता है क्यों क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे गाड़ी रुक गया तुमको गाड़ी को बढ़ाना है तो शुरू में खूब फोर्स लगता है गाड़ी को स्टार्ट करने में धक्का देने में और एक बार गाड़ी चलने लगता है तो तुमको कम बल लगता है क्यों क्योंकि वो जो दुश्मन है वो कम हो जा रहा है और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब पहिए भाई अपने बक्से वक्से में आजकल पहिए है आते हैं तो पहिए क्या करते हैं पहिए रोलिंग फ्रिक्शन पर काम करते हैं जो सबसे कम होता है ठीक है मतलब मोशन का दुश्मन कम है तो तुमको आराम से तुम उसको लेके जा सकते हो बॉल बेरिंग क्या करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ में आया ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है मोशन में होता है ड्रैग किसको कहते हैं ड्रैग किसको कहते हैं एनसीआरटी का शब्द है फ्रिक्शन को ड्रैग कहते हैं देखो फ्रिक्शन जो होता है घर्षण जो होता है ना वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों पर होता है तीनों में देखा जाता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में देखा जाता है आया बात समझ में लुइड शब्द हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड और गैस के लिए तो जो फ्रिक्शन लिक्विड और गैस में देखा जाता है उसी को हम लुइड फ्रिक्शन कहते हैं या कर्षण कहते हैं या अंग्रेजी में ड्रैग कहते हैं आइए क्वेश्चन नंबर ये, ये देखिए बॉल बेरिंग ये देखिए बॉल बेरिंग फुटबॉल गेम में भाई क्या करता है फुटबॉलर जो होता है वो बॉल को पीछे खींच लेता है ऐसे एक सेकेंड रुक जाइए तस्वीर से दिखाते हैं बॉल ऐसे नहीं कैच करता है बल्कि ऐसे कैच करता है ठीक है क्या रीजन है उसका क्या रीजन है कारण क्या है ऐसे नहीं करके ऐसे करना न्यूटन का सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है संवेग बदलने की दर फोर्स के समानुपाती है जब हम बॉल ऐसे पकड़ते हैं तो हम टाइम बढ़ा रहे हैं जब हम बॉल ऐसे नहीं पकड़कर ऐसे पकड़ते हैं तो हम टाइम बढ़ा रहे हैं अगर नीचे वाली संख्या बढ़ेगी तो ये पूरी चीज कम हो जाएगी टाइम बढ़ा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो रहा है संवेग बदलने की दर कम हो रही है फोर्स भी कम हो रहा है और आपको चोट भी कम लग रही है न्यूटन का सेकेंड लॉ ठीक है तो इसीलिए आपको पता है कि जो फुटबॉलर है वो पीछे क्यों करता है ताकि समय बढ़े और समय बढ़ने के वजह से संवेग की दर कम हो जाए जिससे फोर्स क्या लगे जिससे फोर्स कम लगे एग्जाम का क्वेश्चन है आपका पीवाई क्यों है इनमें से किसमें फ्रिक्शन शामिल है ठंड लगता है तो ऐसे ऐसे करते हो ऐसे ऐसे करने से गर्माहट आता है जब हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हाथों में फ्रिक्शन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी ही बदल के आपको हीट दे रही है हुँ? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बन रही है डन जब एक बॉल फ्री फॉल कर रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंदर है तो बताइए उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी कुल ऊर्जा क्या होगी भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है कुल ऊर्जा स्थिर रहती है टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है एक कार है जिसको आपने एक लेवल रोड मतलब सीधी सड़क पर समतल सड़क पर एक्सेलरेशन किया जिससे उसका वेग चार गुना बढ़ गया बताइए ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको हम बताए थे एम जी एच होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेर फॉर्मूला से ही बता दोगे कि भाई अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाती लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तो वी है ही नहीं फॉर्मूला में तो अगर आप वेग बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव है ही नहीं नेगेटिव वर्क डन अब मेरा बात ध्यान से सुनो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला आपको बताए थे एफ एस कॉस थीटा जहां पर थीटा क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट पे आप बल भी इसी दिशा पे लगा रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है जब दो चीजें एक दिशा में होती हैं तो हम कहते हैं इनके बीच में जीरो एंगल है और कॉस जीरो का मान कितना होता है वन यानी इस केस में वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपका भाई या बहन आगे की ओर साइकिल चला रहा है और आप फोर्स लगा रहे हैं पीछे के तरफ बल लगा रहे हैं पीछे के तरफ यानी इस केस में इनके बीच का एंगल कितना है एक इधर और एक इधर कहिएगा मैम इस केस में एंगल 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस वन तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया एफ एस इंटू माइनस वन यानी माइनस एफ एस ठीक है मान लेते हैं विस्थापन इस दिशा में हो रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कॉस 90 का मान होता है जीरो तो वर्क डन जीरो आपसे पूछा है नेगेटिव डन कब होगा जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा आइए क्वेश्चन नंबर 77 पर एक लोहे का गोला है 10 किलो का और एल्यूमिनियम का गोला है 3 किलो का दोनों को आपने एक साथ छोड़ दिया 10 मीटर की दूरी पर बताइए उनका क्या सेम होगा फॉर्मूला मोमेंटम यानी संवेग का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी दोनों का द्रव्यमान अलग है तो जाहिर सी बात है दोनों का मोमेंटम अलग होगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच दोनों का मास अलग है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेर दोनों का मास अलग है दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी सेम क्या होगा त्वरण दोनों नाइन पॉइंट एट से ही नीचे आएंगे है ना समझे एक लड़की है जो तीन किलो का मांस अपने पीठ पे लादी हुई है दो सौ मीटर चल रही है मतलब इस दिशा में इसका विस्थापन है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ये कितना कार्य करेगी आप खुद सोचिए लड़की इस दिशा में चल रही है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा धरती के तरफ लगता है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कभी भी 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना हो जाता है शून्य क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से एनर्जी की यूनिट कौन नहीं है देखिए वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की मीटर तो न्यूटन मीटर और जूल तो है एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है किलो वॉट किसकी यूनिट होगी भाई किलो वॉट पावर की यूनिट है आपको हम बताए थे पावर की ऐसा यूनिट किलो वॉट एक किलो वॉट मतलब हजार वॉट किलो वॉट आवर किसके बराबर है अब मेरा बात ध्यान से सुनो हम लिखे थे पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम और वर्क और एनर्जी एक ही बात है तो हम इसको एनर्जी बटे टाइम भी लिख सकते हैं यहां से हमको फॉर्मूला मिला कि एनर्जी बराबर है पावर इनटू टाइम अगर हम पावर को किलो वॉट में ले लें ले, और टाइम को आवर में ले लें तो मेरे पास एनर्जी की एक और यूनिट आ जाती है जिसका नाम है किलो वॉट आवर ठीक है और ये किलो वॉट आवर व्यावसायिक यूनिट है आपका जो बिजली बिल आता है उसमें यही लिखा रहता है कि आपने इतने यूनिट की खपत की मतलब इतने किलो वॉट आवर की खपत की तो ये भी एनर्जी की यूनिट है तुमसे पूछा था एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है तो तुम्हारा जवाब होगा सी सी जो है वो पावर की यूनिट है एनर्जी की यूनिट नहीं है ठीक वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन भाई फॉर्मूला है एफ एस थीटा बल पर निर्भर करती है विस्थापन पर निर्भर करती है दोनों के बीच में एंगल पर निर्भर करती है लेकिन वेग पर निर्भर नहीं करती क्वेश्चन नंबर एटी वन एक बांध में पानी संग्रहित है पानी मोशन में नहीं है अगर पानी मोशन में नहीं है इसका मतलब है उसके पास संग्रहित एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी नहीं है स्थितिज ऊर्जा है ये अच्छा क्वेश्चन है देखो एक बॉडी जो है इतनी ऊंचाई से गिर रही अब मेरा बात ध्यान से सुनना जब ये बॉडी बिल्कुल ऊंचे पर है तो ये कुछ देर के लिए रेस्ट में है ठीक है, रेस्ट में है मतलब इसके पास वेलोसिटी नहीं है मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही है हाफ एम वी ये वेलोसिटी में नहीं है वेग में नहीं है इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी शून्य है या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जी हाँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच मास होगा जी होगा और ऊंचाई होगा मतलब इसके पास जो टोटल एनर्जी है जो कुल एनर्जी है वो किसके रूप में है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। अब ये बॉल नीचे नीचे आना शुरू हुआ। जैसे ही नीचे आएगा, इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी हु? मतलब अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और चूंकि अब इसकी हाइट कम होने लगी तो इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी देख रहे हो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें वेलोसिटी आएगी वेग आएगा मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आ जाएगी हाइट कम हो रही है फॉर्मूला बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई मतलब एक बढ़ा दूसरा कम हुआ ये क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि हमको टोटल एनर्जी को कंजर्व रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि कुल ऊर्जा संरक्षित ही रहती है तुम्हारी मान लो इनकम दस हजार रुपए है तुमको पता है कि हमको घर का भाड़ा ही पांच हजार देना है तो आप क्या करिएगा अपने बाकी खर्चों को कम करिएगा है ना समझे बिल्कुल बीच में आएगा तो क्या होगा टोटल एनर्जी वही रहेगी लेकिन बिल्कुल बीच में आपको लिख रहा है कि ये एच वाई टू पर आ गया यानी आधी दूरी पर आ गया तो आधी दूरी पर आने पर ज्यादा सही ऑप्शन ये है नितिश डी भी सही आप लोग कह रहे हो डी भी हो सकता है लेकिन आपको एक विकल्प चुनना है नितिश, अमित सारे लोग एक विकल्प चुनना है इसीलिए हम बेहतर सी चुनना चाहेंगे क्यों क्योंकि सी आने पर आधी दूरी पर बिल्कुल आधी दूरी पर कुल एनर्जी में आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक अगर इसमें लिखता ये आधी दूरी नहीं लिखता तब हम डी ऑप्शन लिखते अंतर समझ पा रहे हो <coughs> चलिए जी पूछ रहा है कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में सात फंडामेंटल क्वांटिटी होती है सात मूल राशि होती है कौन कौन सी लेंथ यानी लंबाई मास यानी द्रव्यमान समय यानी कि टाइम इसके अलावा ध्यान रखना तापमान होती है टेम्परेचर होती है हीट नहीं होती चार्ज नहीं होता करंट होता है ठीक है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल से लिखते हैं यह आपकी सात फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ठीक है बताइए फोर्स है जी नहीं वेलोसिटी है जी नहीं वर्क है जी नहीं इलेक्ट्रिक करंट है जी हाँ। की कर यूनिट एम्पियर होती है चार्ज और करंट में लोग कंफ्यूज करते हैं चार्ज नहीं है ठीक है हीट और टेम्परेचर में कंफ्यूज करते हैं ध्यान रखना टेम्परेचर है हीट नहीं टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट कैंडेला होती है ठीक है ना पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी बताइए थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट वॉट होगी चार्ज की यूनिट होती है एंपियर करंट की यूनिट होती है वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभांतर की ऐसा यूनिट होती है फोर्स <coughs> की यूनिट क्या होगी भाई फोर्स की यूनिट क्या होगी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ऐसा यूनिट न्यूटन होती है वर्क की क्या होगी अब पता है ये वाला चैप्टर जो है ना ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा कारण क्या है आप कल नए चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप यूनिट्स पढ़ेंगे परसों आप नए चैप्टर्स पढ़ेंगे आप उसमें यूनिट पढ़ेंगे तो ये ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको आते ही रहेंगे यूनिट चैप्टर वर्क की क्या है ऐसा यूनिट आपको पता है वॉट है क्या है वॉट है फ्रीक्वेंसी को आप किस में नापते हैं आवृत्ति को किस में नापते हैं देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दिए गए समय में कितनी बार किसी चीज को किया जाए आप कहते हैं है, मैम मेरे नंबर मॉक टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे हम आपको कहेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए रिविजन की मतलब निश्चित समय में उस काम को बार बार करिए ठीक है कई बार इसकी ऐसा यूनिट आपके किताबों में लिख दी जाती है साइकिल पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितनी किसी चीज का साइकिल हुआ और साइकिल पर सेकंड को ही हर्ट्स कहते हैं रेडियन की बात अगर आप करते हैं तो रेडियन से आप किसको नापते हैं रेडियन से आप नाप रहे होते हैं प्लेन एंगल देखिए फिजिक्स में जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है व्याप्त राशियों की कोई सीमा नहीं है मूल राशि सात है पूरक राशि दो है सप्लीमेंटल क्वांटिटी दो है एक होता है प्लेन एंगल प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है और दूसरा होता है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन ठीक आइए क्वेश्चन नंबर एटी एट पर रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भाई पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में आई थिंक कल या परसों ही, कल ही चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध अब रेजिस्टेंस जो है दो चीजों पर निर्भर करता है लंबाई और एरिया लंबाई बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा एरिया बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट है स्थिरांक है यही रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहलाता है यानी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आर ए बटे एल रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट प्रतिरोध की ऐसा यूनिट मीटर होती है एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर काट दो बचेगा ओम मीटर हम बताए ना ये चैप्टर ऐसा है कि अभी चलेगा ये चैप्टर ठीक है ये चैप्टर अभी चलेगा ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस चार्ज रेजिस्टेंस सब पढ़ेंगे हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ठीक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे लाइट <coughs> ईयर क्या है सुनने में लगता है लाइट ईयर समय की इकाई है जी नहीं एक साल में लाइट ने कितनी दूरी तय की उसकी यूनिट है और लाइट ईयर इसीलिए दूरी की यूनिट होती है ऐसा नहीं कि मेरे और आपके घर के बीच की दूरी हम लाइट ईयर में तय करते हैं जब खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ना होता है तब हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं ये ऐसा सवाल है कि भाई सभी को आता ही होगा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पारसेक क्या है पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है मतलब कि जब आपको पिंडों के बीच की दूरी ग्रहों के बीच की दूरी पढ़नी होती है तो आप इनका प्रयोग करते हैं लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ठीक है year, unit, एक पारसेक कितने के बराबर होता है थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर के बराबर होता है 3.25 या 3.26 लाइट ईयर के बराबर। थ्री किसकी यूनिट है भाई? करंट की ऐसा यूनिट है है कि नहीं? <coughs> बताइए कौन सा सही मैच नहीं है कौन सा सही मैच नहीं है वर्क की ऐसा यूनिट जूल है ठीक है फोर्स की न्यूटन है मास की केजी है प्रेशर की एस आई यूनिट डाइन नहीं होती प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको आप पास्कल कहते हैं डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है तो यही सही जवाब है ऐसा यूनिट SI से आपको पकड़ना था आइए क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर पर एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है टेन की पावर माइनस टेन मीटर और ये किसकी यूनिट है लंबाई नापते हैं हम इसमें एक ही लंबाई है वो है आपकी वेवलेंथ वो है आपकी वेवलेंथ जूल एनर्जी से जुड़ा है जिस वजह से जिस जैसे पास्कल किससे जुड़ा है भाई जूल जो है एनर्जी की ऐसा यूनिट है मास की ऐसा यूनिट क्या है के जी प्रेशर की क्या है पास्कल डेंसिटी की क्या होती है डेंसिटी है मास बटे वॉल्यूम यानी के जी पर मीटर क्यूब प्यूरिटी को हम कैरेट में नापते हैं क्या होगा पास्कल प्रेशर से रिलेटेड है ठीक <clears throat> है आ जाए क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स पर प्रेशर की यूनिट क्या है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साउंड की यूनिट इनमें से क्या होगी अब ये देखो साउंड की यूनिट मतलब एक तरीके से साउंड का लाउडनेस पूछ रहा है प्रबलता पूछ रही है तो प्रबलता डेसिबल पर डिपेंड करती है हमेशा याद रखना 80 डेसिबल अगर साउंड की लाउडनेस ध्वनि की प्रबलता 80 डेसिबल के ऊपर चली गई ना तो आप उसको साउंड नहीं कह के नॉइस कहते हैं शोर कहते हैं साउंड की लाउडनेस अस्सी डेसिबल के ऊपर चली गई तो आपको इरिटेशन मचेगी ठीक है लाइट ईयर क्या है दूरी है लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट ने एक साल में कितनी दूरी तय की ओके okay. क्वेश्चन नंबर 99 नाइन में आइए लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसमें माइक्रोन का मतलब क्या है दस की पावर माइनस छ मीटर नैनोमीटर दस की पावर माइनस नौ मीटर एंगस्ट्रॉम का मतलब है दस की पावर माइनस दस मीटर फर्मी मीटर का मतलब है दस की पावर माइनस पंद्रह मीटर तो क्या होगा फर्मी मीटर होगा ना सबसे छोटी यूनिट फर्मी मीटर एक जेप्टो किसके बराबर है अब जैसे एओ सीडीपीओ में इस तरह के थे तो मैंने आपको इसलिए टेबल लगा दिया है यहाँ पे ठीक है फेमटो आपसे पूछा जा चुका है पीको आपसे पूछा जा चुका है जेप्टो योक्टो कुछ चीजें जो आपसे पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बराबर है दस की पावर माइनस के बराबर डन hmm? ये था हमारा आज का कल हम लोग वेव साउंड हीट इलेक्ट्रिसिटी कल का अपना यह टॉपिक है ठीक है वेव, वेव हम एक में ही कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट चीजों से आपके क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक उम्मीद करती हूँ आपको फिजिक्स की पहली क्लास अच्छी लगी होगी नहीं ऐसे ही हम लोग तीन क्लास में फिजिक्स करेंगे और फिर आखिरी तीन क्लास में केमिस्ट्री फिजिक्स की जो आखिरी क्लास होगी उसमें हम आपको थोड़ा सा साइंस टेक कराएंगे क्योंकि आखिरी दिन हमारे पास ये रहेगा मैग्नेटिज्म रहेगा और मोशन रहेगा ठीक है उसके बाद जो समय रहेगा हम थोड़ा सा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देंगे क्योंकि सैटेलाइट और ऑर्बिट और ये सब आपको जानने चाहिए ठीक चलिए मिलते हैं कल की क्लास में थैंक यू